आंध्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर दो गांव हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। एक है पांडवपुरम, दूसरे का नाम है कौरवपुरम। पांडवपुरम के जागीरदार है धर्मराज, वो धर्मराज के सच्चे अनुयायी है। कौरवपुरम के जागीरदार है सुयोधन, अधर्म और अत्याचार में दुर्योधन के समान है। अपने तीनों बेटों के बल पर वो लोगों का शोषण करता है। इतिहास के पन्नों पर इनके गांवों का भी जिक्र है। पांडवपुरम के नागरिक नृत्य और नाटिका जैसी कलाओं में निपुण थे, लेकिन केवल पांडवों के किरदार निभाते थे, और कौरवपुरम के लोग केवल कौरवों के किरदार निभाते थे। गुजरते समय के साथ दोनों गांवों के मुख्य परिवार और उनकी आने वाली अगली पीढ़ी अपनी अलग पहचान बनाती चली गई। संक्रांति उत्सव के दौरान हर साल दोनों परिवारों के बीच जुआ खेला जाता है, जिसमें वो अपनी बहनों और बेटियों को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही एक उत्सव के दौरान सुयोधन ने अपनी विकृत सोच से खेल के लिए कुछ कुटिल शर्तें रखी, जिसमें हारने वाला खिलाड़ी अगले 14 साल तक घर में कोई शुभ कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन बाजी हार के अपने जाल में वो खुद ही फंस गया। इसी चक्कर में उसके तीन नौजवान लड़कों की शादी नहीं हो पाई। 14 साल बाद सुयोधन को अपनी हार का बदला लेने का मौका मिला। आज 14 साल बाद ताशबाजी होगी, कोई शर्त हो तो बताओ। अगर मैं हारा, अपनी सारी जायदाद चल अचल संपत्ति दोनों गांव के निवासियों में बांट दूंगा, और हमेशा के लिए हम सब कौरवपुरम छोड़कर यहां से चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम हारे, तुम्हारी इकलौती बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। भैया मान जाइए, अगर ये लोग जीते तो सिर्फ हमारे परिवार को सजा भुगतनी होगी, और अगर आप जीते तो दोनों गांव का कल्याण हो जाएगा। मुझे स्वीकार है। शो यस। मुहूर्त मैं निकलवाऊंगा, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। शादी धूमधाम से होनी चाहिए। सिर्फ आंखों के इशारों से हमें जितवा दिया, ये रहा तेरा इनाम। अपनी कुटिलता के एकमात्र गवाह को मारकर उसे उसकी वफादारी का इनाम दे दिया। रंगा हमारे साथ ऐसी गद्दारी करेगा, सपने में भी नहीं सोचा था। भैया ईमानदारी के खेल में उन्होंने बेमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस शादी से बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए भाई साहब, इस मामले में और देरी मत कीजिए। जैसा कि ये चाहती है, इसे पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए। जब तक वीजा नहीं मिल जाता ये मेरे पास रहेगी, और तब तक इसे बैंकॉक में सुरक्षित रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आओ जी किस्मत आजमा लो। माय 2000। आज सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया पे लगाया जी, लगदा इंडिया पे बैंकॉक विच किसी नु भरोसा नहीं है। मुझे बाजी बोलो। भारत मदर की जय, आज इंडिया की जीत है। ओ प्रा तेनु काला चश्मा जच नहीं रहेगा, कौन है फनी दा पुत्र? घोड़े की रेस हो, रिंग में फाइट हो, या क्रिकेट का मैच हो, हर बैटिंग का बेताज बादशाह हूँ मैं। अब पॉइंट पर आता हूँ। अच्छकास रोकड़ा। मोटा भाई इंडिया जीतेगी। पीछे की जेब में इतना सारे पैसे दबा के बैठा है, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का अच्छा तरीका है। ला ला। 1000 रुपए मेरे, इंडिया हारने वाली। 10000 तैयार राज्य। गाली दे रहा क्या? नहीं नहीं मोटा भाई, सच में प्रॉब्लम है। साउंड सिस्टम मस्त है, लेकिन स्पीकर में बहुत बड़ा ब्लंडर है। ओह, ये बोल नहीं सकता, इसकी सबटाइटलिंग मैं करता हूँ। बेचारा गूंगा है। इंडिया हारेगी। LS 30,500। बाजी इलेक्शन में लास्ट वोट भी मायने रखता है। चाइनीज बॉल का धोखा देते ये कोई नहीं बता सकता। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, लास्ट बॉल भी गेम की बाजी पलट सकता है। दे दे माल दे, माल दे। हार के जीतने वाले को चक दे इंडिया कहते हैं। मेरी हुई विजय क्योंकि मैं हुआ जय। हेलो, ऑस्ट्रेलिया जीत गई पाजी। ओ की कहंदा है, ऑस्ट्रेलिया जीत गई? हाँ पाजी। ओ मेरे टीवी विच तो इंडिया जीत गई जी। नहीं पाजी, आपको कोई चूना लगा के गया? हाँ करन से कहीं की भी हो, खुशबू मस्त आती है देखना।
पुरानी डीवीडी दिखा के क्या मस्त चूना लगाया लोगों ने। पकड़ो उन्हें। भाग 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 चल चल जल्दी चल निकल जल्दी निकल 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 चीनी मक्खन मुंह कोल कोल रानी कितना कितना पानी है चक्कर आए दे चक्कर 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 हमें मर गया नहीं जवाब दे। ए, पापा को बैटिंग का पता नहीं लगना चाहिए। हाँ वही तो। आए पापा। बापू। तुम्हारे सबोले मतलब बेटे आ गए पापा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से मैच कौन जीता? लगता अपने प्लान की पायरेसी हो चुकी है। मरी नाखू भांगी ने भूख को करी नाखू। बापू हम मैच पर पैसे लगाने नहीं ढोकला खाने गए थे। मुझे भी एक मैच खेलना है। इंडोर खेलोगे या आउटडोर? उल्लू के पट्टो शहर में कोई है जिसे तुम लोगों ने छोड़ा? एक एक आदमी सुधार ले रखा है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। छी! 2 साल पुराने मैच का वीडियो दिखा के लोगों को उल्लू बनाते हो? पापा उल्लू बनाना भी एक आर्ट है, कला है। इतने कलाकारी बच्चों को इस तरह मारता है कोई? पता है हम झूठ भी पूरी ईमानदारी से बोलते हैं। बात ऐसे कर रहे जैसे हरिश्चंद की औलाद है। जीवन एक किताब की तरह होता है, पहले और अंतिम अध्याय में भगवान ऑलरेडी पब्लिश करके भेजता है, यानी जन्म और मृत्यु, लेकिन बीच के अध्याय हम अपने हाथों से लिखते हैं। मैं टाइप करवा लूंगा। अबे गधे घर की खेती समझ रखी है क्या? बापू मेरी एक बात सुन लो, पेन से भी किस्मत लिख सकते हैं। पेन लीक हो रही है कुछ मत लिखो। कभी कभी पापा हेयर ऑयल लगते हैं ठंडे ठंडे कूल कूल, और कभी कभी अचानक से इंजन ऑयल के मॉडल लगते हैं हॉट हॉट। लेकिन ऐसा ही कहा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती ना तो लोचो थे। सारी दुनिया की तरह अगर हमारी माँ होती ना तो हमारी प्रॉब्लम समझती, हमें प्यार करती। बिना सिम का फोन, बिना सिग्नल का नेटवर्क, बिना माँ के बच्चे, समाज उन्हें चीप समझता है। माँ का इमोशनल फंडा काम कर रहा है। ए माँ कहाँ हो तुम? मम्मा अम्मा अरे कुछ उगला या नहीं? नहीं भाई, एक नंबर का ढीठ है, अभी तक मुंह नहीं खोला। मौत तेरे सर पर नाच रही है, बताएगा या ऊपर का टिकट काट दो? बोल। मम्मी मम्मी में भाई भाई मुझे छोड़ दो भाई, अब तो मैंने आपको सच बता दिया भाई, मुझे जाने दो प्लीज भाई। अरे साहब ये क्या, उसे आपने मार क्यों दिया? उसने हमसे झूठ बोला होगा तो? ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, हमसे नहीं बच पाएंगे। हेलो सर, आई होप यू एंजॉय द राइड सर। ज्यादा नहीं सर, ओनली 10,000 बात। समुंदर की लहरों पे रेस की तो बॉडी भी रेस करने बोल रही है। देसी गर्ल्स कहाँ मिलेगी? आज रात के लिए चाहिए, 1 साल बाद के लिए नहीं। जल्दी बोल जल्दी बोल। हाँ नहीं पता सर, पैसा दो। अगर पैसे चाहिए लड़की दिलवा। गोपाल क्या प्रॉब्लम है? पेमेंट नहीं कर रहे। अबे खोपड़ी छाप, चल पैसे निकाल जल्दी दे। सम रेसिंग की ऐसा फिगर नहीं देखा। क्या बोला बे? हाँ क्या बोला? बोल
My brother from another mother. Violence के लिए यहाँ entry नहीं है. In school I learned to be cool. एक मिनट के लिए लड़ोगे, 60 सेकंड का enjoyment खोदोगे. Nice philosophy. और कुछ? इंडिया से यहाँ chill करने के लिए आते हो. अपने frustrations को dustbin में डालो और यहाँ nature के thrills को enjoy करो. देख छोटे, अपनी उंगली बीच में मत घुसा. Out. चल निकल यहाँ से. लाइफ में सबसे बड़ी गलती विजय को उंगली दिखाना और वही उसने कर दी. इसको बोलो उंगली नीचे करे. नहीं क्या तो क्या करेगा? पकड़ मुझे, पकड़. वो संभाल लेगा. छोड़ना मत. शांत हो जाओ, चल भाग यहाँ से, चल निकल. कूल डाउन, इट्स ओके, रिलैक्स. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मुझे आइसक्रीम चाहिए. दीप्ति, जाके देखो ब्रेकफास्ट रेडी है या नहीं. कम ऑन, लेट्स गो. ओके आंटी. टूरिस्ट आते होंगे बाबा. वी डोंट हैव टाइम, मेक इट फास्ट. ओके. इस उम्र में आइसक्रीम चाहिए. ए, ए, गोपाल, तेरा रोज का नाटक है. हाँ है तो क्या कर रहे हो? बोनी तो होने देते. बोनी और यहाँ दिन भर कुछ बिकता भी है. बेशरम, शरम नहीं आती. मारो मत, विजय को कूल करना है. क्या कहा? कूल करना है? हाँ. क्यों रे, आज फिर से तुमने मारपीट की? तुम्हें कितनी बार मना किया है? नहीं, मेरे सर में जितने बाल नहीं है उतने तुम झगड़े कर चुके हो. टकली हो जाऊंगी. अरे टकली हो गई तो मैं कैसी लगूंगी? आंटी, इस बार हमारे विजू की गलती नहीं थी. उन बदमाशों ने मेरे साथ बदतमीजी की. तुम इसकी साइड लेना बंद करो. हाँ डांट लो. मेरी माँ मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाई. आज अगर मेरे पापा होते तो मुझे गले लगाकर मेरी तारीफ करते. मुझे इस तरह से दुखी कभी नहीं होने देते. बिना सिम का फोन, बिना सिग्नल का नेटवर्क और बिना बाप के बच्चे को ये समाज हमेशा चीप कहता है. विजू, इमोशनल ड्रामा एकदम सही जा रहे हो. मेरी बात तो सुन विजू. रट्टू, पूरे पौने 20 साल से हमने एक दूसरे को नहीं देखा, पर आज भी दिल की खोली में तुम्हारा ही एड्रेस है. तेरी फाइट का वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे डाल देंगे. किस लिए? कमाई होगी और क्या. ये कैसा गेम है? Excuse me, why are you lifting her? That is Chinese love climbing bell. If your lover strikes the bell, then your love will be successful. Really? Yeah, that's our belief. विजु, सुना? ट्रू लवर्स की बेल. अगर प्रेमिका को उठा के ऊपर जाके बेल बजाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि दोनों तरफ लव की बेल बज रही है. So funny. ए, हनी पर ट्राई करेगा? Naturally. उस पर तू ट्राई करेगा, बेस्ट है. वो तो 10 days में हनी ऑस्ट्रेलिया जा रही है. हमारा प्यार वीक नहीं है. वो ऑस्ट्रेलिया जाए या चाहे स्पेस में, हनी मेरी ही रहेगी. अरे यार क्या फायदा, ऐसा लव जिसमें 1000 लफड़े हैं. इस लव में लफड़े का एल भी नहीं है. ना बगावत करने के लिए कोई बाप है, ना ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कोई माँ है, और ना ही धमकाने के लिए कोई भाई है. उसे सिर्फ हाँ करनी है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं खुद पूरी कर लूंगा. पपलू, ए हनी जरा यहाँ आना. ए विजू, कहाँ ले जा रहे हो? यू वांट टू हैव फन? फन? मेरे साथ चलो. कम. रिंग द बेल. सुपर यार, चल चल चल. कंग्रेचुलेशंस. वो किस लिए? इसका मतलब समझती हो? ट्रू लवर्स बेल. अगर इसे बजाया यानी लव इज ओके. यू नो विजय लव्स यू हनी. ऐसा कुछ नहीं है. विजू ने तो कहा था कि ये फन के लिए है. लव का तो नाम ही नहीं लिया. तुम कुछ भी बोलती हो. ए हनी, आज रात पार्टी में आ रही हो ना? भैया. हाँ बोल. पूरा मुंबई छान मारा, समंदर ही बाकी है. कहो तो उसमें भी ढूंढ लूं. ससुर जी मुझे कोई गुस्से में शराब दे, उससे तो वही अच्छा होगा कि कोई वेल या शाक मुझे पानी में कच्चा निकल जाए. शाक से नहीं ससुर से डर लगता है. दौलत भाई से मिल मुंबई में. दलाले क्या? वो मुंबई में नहीं है. You fool! Hey, oh, oh, Snooker
खेल रहे हो या गिल्ली डंडा? लड़की देखकर गंदे गंदे इशारे करता है, हाँ क्या बोला? हाँ रोले रोले। बच्चा देख के दादागिरी करती है क्या? ये बच्चा दिखता है, ये तो बुलडॉग है। बुलडॉग शांत बेटा शांत, अगर ये बुलडॉग है ना तो तुम चमेले की पायरेटेड वर्जन हो। ए, जानता है मैं हनी शहद बेचती है। कौन से ब्रांड का शहद बेचती है? शहद बेचती है तो हनी, चम्मच बेचती तो क्या चमड़ी नाम रखती है? क्या बकवास कर रहे? अबे ओए जोकर्स, लड़की को छेड़ते हो। ए हनी भी, तेरी पर्सनल मधुमक्खी है क्या? मधुमक्खी वो नहीं मैं हूँ, ऐसा डंक मारूंगा सीधे हॉस्पिटल पहुँचाऊंगा। मैं तो डर गया। विजय जानता है क्या है? आयरन मैन। शक्ल से तो स्पाइडरमैन लगता है, दीवार पे चिपका देंगे। सुपर ब्रो। ब्रो कहा? मंडी का ब्रोकर है क्या? ब्रो। इसे देखो भाई, हर लाइन के बाद कोमा लगाता है ना। मेरा तो कोमा लगता है, इस बच्चे का तो फुल स्टॉप लगता है। ये अगर असली मारता तो हाथ लगा के दिखा। तू उंगली दिखा ना। खाली उंगली? ए मार मुझे। पहले उंगली दिखा। चल मार। दिखा बे। अरे मारना। दिखाना। मार के दिखा। What? मारना दिखाना। What the hell are you talking? You're creating problems here. इसको बोल उंगली मत दिखा। क्या? बोल से उंगली मत दिखा। बोल उंगली ना दिखा, कुछ कुछ होता है। Break your bones. तुम्हारी माँ का साकी नाका एक एक को दौड़ा दौड़ा के मारूंगी, क्या समझा था बे? चल बटक यहाँ से। ये बिजनेस का फंडा, उंगली तोड़ गैंग की कमर ये तोड़ देगा। विजू, गोपाल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हुआ? हमारा बिजनेस आइडिया चुरा के टोपी पहना गैंग ने हमारे बिल्कुल सामने बोट का बिजनेस शुरू कर दिया। मोटा भाई, उंगली तोड़ो गैंग आ रही है, आज उस दिन का बदला लेकर आएंगे। जुरासिक पार्क में घूमने की बजाय तुम लोग यहाँ पे चाय बेचने आए हो क्या? मंडी में सब्जी बेचने के बजाय यहाँ पे मछली पकड़ने आए हो क्या? मेरे हाथों मरना चाहते हो क्या? बोर्ड के बिजनेस में तुम्हारा झंडा उखाड़ के अपना झंडा गाड़ने आए हैं। तेरे जैसे कितने आके चले गए, झंडा छोड़ बिजू तुझे ही गाड़ देगा। ये क्या बोला? तुम्हें तुम्हारी बोट से ही बांध के पानी में डुबो देगा। डेरिंग है तो उंगली दिखा। पापा ने कहा ये बैड मैनर्स है, किसी को एक उंगली दिखाते तो तीन उंगलियां खुद की तरफ होती है, उंगली की जगह डांस दिखाए तो चलेगा क्या? मतलब कि डर गए? हे, हमारा बैकग्राउंड जानते हो क्या? सुनेगा तो बैकग्राउंड गीला हो जाएगा। क्या खास है तेरे बैकग्राउंड में? भाई होगा भाई, डॉली भाई। Hey, शर्मा एंड वर्मा कंपनी, अजय का बोट बिजनेस का ओपनिंग है, फॉलो मी। ओके बॉस। डोली भाई की डोली आ गई, मतलब गाड़ी आ गई, चलो। hey, कैसा रहे अजय? ओपनिंग है, आई चीफ गेस्ट, व्हाई यू लेट? मैं लेट? ओके सर, बट नाउ रेडी, लेट्स गो, लेट्स गो। विजू, डू समथिंग, वरना ओपनिंग के दिन क्लोजिंग हो जाएगी। आइडिया मुझे दो। अबे यार जल्दी कर, वो लोग आते ही होंगे। लेट्स गो, लेट्स गो, कम ऑन, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी करो। भाई आज इन लेवलों पे आप ही का राज होगा और किसी का नहीं। बैठिए बैठिए। ओके, मजा आ गया। पीछे खरीदा होती तो और मजा आ गया। ओके। होने वाला है।
बचपन से लेके आज तक एक भी काम ढंग का किया है क्या? सारे कीबोर्ड्स डैमेज हो चुकी हैं। अरे कोई उल्लू का पट्टा हैंडल तक उखाड़ ले गया। अरे मैं कब तक चिपका रहूंगा? एक ड्रग डीलर तुम लोग का फाइनेंसर है, पाप की कमाई से बिजनेस करोगे? अभी सक्सेस नहीं मिलेगा। आई ऊ क्या कर रहा है? वरुण जरा समझाओ ना इसको। लकी तुम लोग को झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे मालूम है। लड़ाई तुम लोगों ने शुरू की, तू क्या? हर इल्जाम हम पर, इसका मतलब ये हुआ ना कि हम ही गलत है। बचपन से यही देखा है। पापा अगर आज हमारी माँ होती, हमारी फीलिंग समझती, उन लोगों को सबक सिखाती। ए, पापा से उम्मीद रखना बेकार है, चलो। सॉरी चल चल चल। अरे 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 रुक ना, ये फैमिली मैटर है। देखो भाई तुम लोग की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। मेरे बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते, वो किसी की भी औलाद हो छोड़ेगा नहीं अपन को। ए, किधर है घर का मालिक? अरे मामू घर के बाहर आता है कि नहीं? तू आता है मैं आऊं? अबे बच्चे पैदा तो कर दिए लेकिन उन्हें ठीक से परवरिश नहीं दी। मेरे लड़कों के बिजनेस में उंगली नहीं करने का, काट के रख दूंगा। कौन है बे? काट डालूंगी। सत्या, मैंने तुम्हें जन्म दिया। आपने नहीं डैडी, मम्मी ने दिया। शट अप। मैंने तुम्हें पाला पोसा। फिर रॉन्ग डैडी, आया ने। शट अप। मेरा नाम सुब्बू है, घर का निकनेम डब्बू है। जोर से मत चिल्लाइए, बीपी बढ़ जाएगा। शट अप। खुश रहने की 7 टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। नोट कर लो, सांस लेने के लिए वायु, पीने को है पानी, स्वादिष्ट भोजन, पहनने को कपड़े, फिर आता है पैसा, फिर पैसा, फिर पैसा, फिर पैसा, फिर पैसा, सर 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 आपने शुरुआत में 7 बोले थे, आगे जोड़ते चले जा रहे हैं। 8वां कैंसिल। एक सवाल पूछता हूँ, शहर का सबसे अमीर आदमी कौन है? अपन के सामने तो खड़ा सर। गुड। सबसे गरीब आदमी कौन है? अपन जो आपके सामने खड़ा है सर। वेरी 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 गुड। अच्छा ये बताओ, इस फटीचर गरीब और सुपर डुपर अमीर के बीच कितनी दूरी है? सर करीब 6 फीट। ये वाली दूरी नहीं, औकात वाली सर, दूरी। अपनी लड़की की शादी तुमसे क्यों करवाऊंगा, कोई वजह बता सकते हो? आफ्टर ऑल मर्द जो हूँ सर। कोई सबूत? बीज बोने से पहले फल कैसे गिन सकता हूँ? मर्दानगी चेक करने का कोई और तरीका? सिर्फ एक मौका दीजिए सर, खुद पता चल जाएगा। हर महीने कितने पैसे कमाते हो? 5 to 6 lakh। रॉन्ग। 100 रोज के? रॉन्ग, पर मंथ। टैक्स देने की? इतनी कम सैलरी में काम वाली भी एडजस्ट नहीं करेगी। एक मिनट, मैं एडजस्ट करूंगी साहब। चुप कर, काम से निकाल दूंगी, मैं एडजस्ट कर रही हूँ ना। शट अप। सर बात ऐसी है कि शट अप। बुरा ना मानो तो तुम्हारी कास्ट पूछ सकता हूँ? कास्ट से भी प्रॉब्लम है सर? जितनी कैश इम्पोर्टेंट है उतनी कास्ट भी इम्पोर्टेंट है, हमारे बीच कोई बराबरी नहीं। गेट आउट। मिस्टर डब्बू राव, पैसा पैसा और फिर पैसा, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता मिस्टर डब्बू राव, जैसे कि लव, पीस और हैप्पीनेस। गोल भेंडे गोल, अपन यहाँ रिश्ता जोड़ने आया है, ऐसा चिल्लाएगा तो 2 मिनट में रिश्ता टूट जाएगा। लड़की का दिल तो अपन जीत ही चुका है, बस बुढ़ाओ को पटाना बाकी है। देखते जाओ, बस 2-4 मीठी बातें करके पटा लेगा अपन। हेलो, बाहर का रास्ता वहाँ नहीं, उस तरफ है। अरे ससुर जी। क्या? सॉरी मिस्टर सुब्बा राव। देखिए आपन इधर से जाएगा जरूर, पर आपका लड़के से शादी करने के बाद चाहो तो मेरी नौकरानी को ब्याह कर ले जा सकते हो। मैं तैयार हूँ साहब। चुप कर, जान ले लूंगी तेरी, जान अंदर जाके कपड़े धो। वो नहीं जाएगी, तुम अंदर जाओगी, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। स्वामी। बेटी बेटी सुनो, रुको तो, बेटी सुनो ना। ये रहे पूरे 5 लाख। अपन दहेज नहीं लेता सर। दहेज नहीं, मेरी बेटी को भुलाने की कीमत है। कितना भी पैसा अपन के प्यार को खरीद नहीं सकता सर। तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो क्या मजाक कर रहा है? अच्छा तो ये वाला बैग ले लो। पैसा डबल करो या ट्रिपल करो, अपन झुकने वाला नहीं है। किसने कहा डबल करूंगा? देखो ये खाली ब्रीफ केस है। सुनो, तुम्हें 6 महीने का वक्त देता हूँ। डेडलाइन से पहले अगर इसमें 5 लाख भर पाए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा, नहीं लाए तो। 6 महीने बाद 5 लाख 1 रुपया इसी ब्रीफकेस में डाल के आपके मुंह पे मारेगा। मिस्टर सुब्बा राव, आदमी चाहे कितना भी रईस क्यों ना हो, पैसे के जोर पर वो अपनों का प्यार नहीं खरीद सकता। अपन लौटेगा जरूर, फिर अपन घर के अंदर और तुम घर के बाहर, याद रखना। रत्तू भिंडे, रत्तू भिंडे, कितने साल बाद मिली तू, आज भी अजंता की मूरत जैसी लगती है। सेम टू सेम। तुम भी कहां बदले हो, बिल्कुल कौली भिंडी की तरह लंबे हो, जरा भी हाइट लॉस नहीं किया, एकदम फेयर एंड हैंडसम। याद है
इन द ईयर 19 प्लीज चुप हो जाओ। क्यों, तुम्हें सब याद आ जाएगा? मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तू इधर रहती मेरे को पता नहीं था। पता है मैं इधर क्यों आया? उन दो लफंगों को सीधा करने के वास्ते। भिंडे, वो मेरी औलाद है। वो दोनों तेरे बच्चे? मेरे बच्चों से लड़ाई किसने की? वो मेरे बच्चे। तुम बाप बन गए? हाँ। रत्तू, अपने बेटों को कंट्रोल में रखो। अब उनका गुस्सा कितना खतरनाक है तू जानती है? जानती हूँ। मेरे बच्चे बिल्कुल आप पर गए हैं, उनको काबू करना मुश्किल है। फुटो यहाँ से। This is an old love story. बाहर से दिखावटी गुस्सा और दिल के अंदर प्यार की दहकती चिंगारियाँ, इसे डीकोड करके डिटेल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। मजे करने बैंकॉक गया और सैंडविच मसाज की बजाय अपनी उंगली फ्रैक्चर करवा लाया। सोच ये उंगली कितने काम आती है। भाई, अभी मजाक मत करो, मेरा बेटा अभी बहुत टेंशन में है, उसका मूड ऑफ है। प्लीज उनका कुछ करो भाई। चल चल चल, अभी फोटो दिखा। मार डाल इसको। ये फोटो कहाँ खींची? बैंकॉक। सिद्धा भाई जल्दी आओ। दौलत भाई, कुछ पता चला क्या? अरे भाई, वो लड़की मिल गई। सच में? यही तो है वो। हे, कहाँ मिली? बैंकॉक में। बैंकॉक कैसे पहुंची? ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। डील फिनिश हो गई, पेमेंट कर दो। उसका पता चल गया भैया। वो कहाँ है? बैंकॉक पहुंच चुकी है। उसे अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। ससुर जी को बता देना। चक्कर क्यों काट रहे हो? जैसे ये पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, अपन लोग भी वैसे एक दूसरे के चक्कर काटते हुए मिल गए। जब मिलने का टाइम था तब तो तुम मिले नहीं, अब जिंदगी के ऐसे वक्त पे मिले हो कि कुछ नहीं कर सकते। कौन कहता है अपन नहीं आया था? रत्तू, अपन ने वादा किया था तो अपन को तो आना ही था। तेरे को बताया अपन ने पैसा जुटाने के लिए क्या क्या किया? दिन रात कड़ी मेहनत करके 6 महीने में नहीं बल्कि सिर्फ 5 महीने में 5,01,000 रुपए लेकर तुम्हारे घर पहुंचा। रस्ते भर तुझे शादी के जोड़े में देखने का सपना देखता रहा अपन। घर पहुंचा तो ताला लगा हुआ था। लाख कोशिशों के बाद भी तेरा पता नहीं लगा पाया रत्तू, पागल जैसा हो गया अपन। अभी मिली, वो भी अपने बेटों के साथ। वो मेरे बेटे नहीं है, बाजू वाले अंकल सोमनाथ के बेटे हैं। पापा को स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ और वो अटैक से मर गए। मैं अकेली रह गई। सोमनाथ अंकल को बिजनेस में लॉस हुआ और वो डबल अटैक में मर गए, इसलिए मैंने उनके बच्चों को गोद ले लिया और शादी नहीं की। अबे जिंदगी का क्या कहूं, उषा के साथ शुरू हुई, निशा के साथ खत्म हो गई। उषा निशा, एक से मन नहीं भरा क्या? छे, उषा का मतलब सवेरा, निशा का रात। अपुन हमेशा अकेला था। तो फिर वो बच्चे? तेरे को आज एक राज की बात बताता हूँ जो वो बच्चे भी नहीं जानते। वो बच्चे अनाथ हैं। अरे वाह वाह वाह, व्हाट अ लव स्टोरी। हनी, लव में एक्सपायरी डेट नहीं होता है। हे भगवान। बाय द वे, आई एम हनी। भिंडे सुनो, हनी हमारे बच्चों को अभी अपना फ्यूचर बनाना है, उन्हें ये राज नहीं पता चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, सही बोल रही है। ओके ओके, ये सीक्रेट मेरे साथ सेफ रहेगा। हाँ। लेकिन इस अनफिनिश्ड लव स्टोरी को कंटिन्यू रखना होगा और आप दोनों को मैरिज करके अपनी सेकंड इनिंग शुरू करनी होगी। ओके, बिना माँ के बच्चे समाज उन्हें चीप समझता है। अगर आज हमारी माँ होती, हमारी फीलिंग समझती, उन लोगों को सबक सिखाती। आज अगर मेरे पापा होते तो मुझे गले लगाकर मेरी तारीफ करते। क्या बकवास है, मम्मी की शादी हो रही है।
उन्होंने अब तक तुम्हारा ख्याल रखा ना, अब उन्हें भी कोई सहारा चाहिए। जो खुद डंडे के सहारे चले, ऐसा बूढ़ा बाप क्या ख्याल रखेगा? गोपाल, यू बाप वो होता है जो दिन रात बस अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचता है, उनकी प्रॉब्लम्स उनसे दूर रखता है। अ ग्रेट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट इज डैड। मैं ओके हूँ, कन्विंस्ड, लेकिन पनौती दुनिया का क्या? अरे बाहर में गई दुनिया। क्या तुम्हें याद नहीं जब मॉम मेहनत का पसीना बहाकर रोटी लाती थी, चुपचाप अपने आंसू बहाती थी, तब इस जालिम दुनिया ने एक रुमाल तक नहीं दिया। तुम्हें अगर बाप नहीं चाहिए तो ठीक है, उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो जिन्हें माँ का प्यार मिल सकता है। बच्चे कहाँ से आ गए? नन्हे मुन्ने हैं, मतलब पिल्लू के साइज के हैं। उनमें से तो एक बेचारा गूंगा है। ओह माय गॉड, दुनिया क्या कहेगी, आई डोंट केयर। अपनी माँ की शादी करवाऊंगा और अपने फादर को वेलकम करूंगा। बरगद पेड़ से ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं आप, रिटायरमेंट की एज में एंगेजमेंट ना बाबा ना। ये कॉलेज टाइम का लव है, आज का फ्रेश लव नहीं है। वो बस अपने अधूरे प्यार को इस उम्र में पूरा करना चाहते हैं। इस गुड्डा गुड्डी की हम शादी करवाएंगे। गुड्डा गुड्डी नहीं, बुड्ढा बुड्ढी की शादी, एकदम बकवास आइडिया है। हेलो, आज तक इनके जवान बेटे एक लड़की नहीं पड़ा पर, और हमारा बुड्ढा बाप लव करेगा, शादी भी करेगा और हमारा सपोर्ट भी मांगेगा। नो 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 नो, ऐसा हनीमून सेंसर भी पास नहीं करेगा। तुम्हें माँ के मायने पता है? भगवान खुद हर जगह नहीं पहुँच सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई और अपनी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दे दी। माँ बिना मंदिर की देवी होती है, और जब वो तुम्हारे दरवाजे पर नॉक कर रही है, तुम उन्हें उधार मांगने वाला समझ के भगा रहे हो। मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। माँ के डिटेल्स चाहिए। उस माँ के दो बच्चे हैं। दो बच्चे कितने बड़े? पिल्लू के साइज के, उसमें से एक तो थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहा है। ढिल्ले हो या ढिल्ले हो, मुझे उनसे मिलना है। इस वक्त एलकेजी एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे, मैरिज के दिन वो तुम्हारे सरप्राइज गिफ्ट होंगे। ओके, अरे हेलो, स्लो मोशन, पहले ही 25 साल लेट है, और कितना लेट करोगे? विटनेस लाई हो? ये विटनेस लड़के की तरफ से और ये विटनेस लड़की की तरफ से। और तुम कौन हो? वो बुड्ढा सठिया गया है, मैं कौन हूँ, तुझे क्या करना है? ना काम कर। अंकल साइन कीजिए, आंटी साइन कीजिए, जल्दी बच्चों को तो आ जाने दो। अरे जब तक वो आएंगे तब तक शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। कम 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 साइन करो। शादी हो गई। हैप्पी मैरिड लाइफ। भिंडी जी, पता नहीं क्यों अचानक से मेरी बाई आंख फड़फड़ा रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में माँ की आंख होने वाली है। मजा आएगा। काठी काठी पे घोड़। हनी, ये सब क्या है, शादी हो गई? जो वो शुभ मुहूर्त निकल जाता ना, इसलिए करनी पड़ी। भिंडी जी, मेरे बच्चे। सिर्फ तेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे भी हैं। वाह, सब हो गया। खाने का अरेंजमेंट कहाँ है? ए, चुप, पहले अपने भाइयों से मिल लो फिर खाना। ले 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 ले, गाँव सबके जब। ओ आजा आजा। बिचू। बड़े भाई। जिंगचिका जिंगचिका जिंगचिका, मम्मी अपने हाथों से खाना खिलाएगी। जिंगचिका 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 जिंगचिका। तुम लोग इतने हैरान क्यों? हम दो, ये भी दो, तुम तीन, हम साथ साथ हैं। अगर हम सब प्यार से रहेंगे तो हमारी एक फैमिली होगी। हैप्पी नहीं, अनहैप्पी फैमिली। इन लफंगों के साथ तो कभी नहीं रहना है। हमें भी नहीं रहना। मॉम, अभी तलाक दे दो। अरे राजा, अभी तो शादी हुई है भाई, तो फिर तो तोड़ना और भी आसान है। पापा, माला उतार के फेंको इनके मुंह पे, दूसरी में अरेंज करके हमारे मुंह पे हार फेंकेगा, तेरे फोटो पे हार चढ़ाऊंगा। दांत मत फाड़, अगला नंबर तेरे भाई का है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, छोड़ छोड़ छोड़ो उसे। हम दोनों ने ये शादी अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए की है, ताकि तुम लोगों को माँ और बाप दोनों की कमी महसूस ना हो। अपनी दुश्मनी और नफरत भुला के दोनों एक दूसरे के हो जाओ, ये लड़ाई बंद कर दो। पागल हो गए हो? जो से अपना। इम्पॉसिबल। इट्स पॉसिबल, कल से ये लोग हमारे साथ ही रहने वाले हैं, है ना भिंडे? कोई फायदा नहीं, पापा मना करेंगे, है ना? अजय, बच्चों को माँ की इज्जत करनी चाहिए, पति को पत्नी की बात समझनी चाहिए। शादी के बाद अपुन की वाइफ ने फर्स्ट टाइम अपुन से कुछ मांगा है, उसे पूरा करना होगा। कल से मैं वहीं रहूंगा, आना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम।
अंकल, आंटी, कपाल खड़े हो जाओ। आंटी, अंकल आपका लगेज कहाँ है? अंकल को छोड़ने आए हो? स्कूल गोइंग चाइल्ड को छोड़ना पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। मम्मी ने पुकारा तो हम चले आए, जहाँ मम्मी पापा वही बच्चे। विचू, एल्बर्ट विंडो को गुस्सा आ गया। माताजी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बचपन में जब हम मम्मी के लिए भय भय करके रोते, पापा हमें गुड़िया थमा देते। हम उसी गुड़िया को अपनी माँ मानने लगे थे। फर्स्ट टाइम मॉम को लाइव देख रहा हूँ। पिक्चर में सुना था माँ की ममता और बाप का प्यार, आज दोनों मिल गए। yes. विचू बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारे भाई हैं, इन्हें मैंने बुलाया है। पेरेंट्स के साथ तो बच्चे रहते ही हैं ना? हाँ विचू, अब हम सब साथ रहेंगे। मम्मी, ये सब किसके रूम में रहेंगे? तुम्हारे रूम में। तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? स्टोर रूम में तुम रहोगे, बेडरूम में हम रहेंगे, सही ना? ओके ओके, तुम उस रूम में रहना। ओके विचू, एडजस्ट हो जाओगे। अब जाओ, अब जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलो चलो। तुम तीनों की किस्मत फूटी है जो तुमने यहाँ आने का फैसला किया। ज्यादा शान पट्टी दिखाई ना तो तस्वीर के बजाय दीवार पर तुम्हें टांग दूंगा। समझ गए? चलो रे, निकलो यहाँ से। हे हनी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया है। क्या हुआ? इतनी अच्छी न्यूज सुनकर तो इतनी सैड क्यों हो गई? तुम्हें कैसे समझाऊं, भगवान खुशियां देकर उन्हें इंस्टेंटली छीन भी लेता है। जब यहाँ अपनी फैमिली को मिस करके उदास थी, तब विजू ने मुझे सपोर्ट किया, और आज जब उससे प्यार हुआ तो जल्दी ही मुझे दूर भेज के फिर से दुख दे रहा है। ए, ऑस्ट्रेलिया जाना तेरा सपना था, तो इसे फाड़ क्यों दिया? ऑस्ट्रेलिया किस लिए जाना चाहती थी? फॉर अ बेटर लाइफ। इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है? आई एम सो हैप्पी। डिसाइड कर लिया है कि मैं भी इस फैमिली की मेंबर बन के रहूंगी। सोने चलना चाहिए, चल। मजा आ गया देख के, पांचों भाइयों के बीच ये प्यार और एकता बनी रहे। चलो रतु। ए, मॉम सोने गई है, स्पोर्ट्स चैनल देखेंगे। ए, पॉप सोने गए हैं, पॉप म्यूजिक सुनेंगे। वही तो। एक काम करते हैं, जो पहले रिमोट लेगा उसी का चैनल देखेंगे, ठीक है? मुझे तो, मैं लगा दूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं लगा लूंगा। लाओ मुझे तो, मैं लगा लूंगा। जरूरत नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? रतु, शर्म नहीं आती अपने बुड्ढे बाप पे हाथ उठा दो। चलो माफी मांगो, माफी मांगो उनसे। सुनो,
इसने जानबूझकर ऐसा। बस कीजिए, वो मेरी माँ है, वो मुझे चिल्लाएगी या मारेगी, आपको इससे क्या है? विजु, तुम बीच में मत पड़ो। यू हैव नो राइट टू टॉक। मेरे दुश्मनों को इस घर में लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने ये शादी का नाटक मेरी माँ के लिए नहीं किया है, इस घर को हथियाने के लिए किया है। पापा के लिए एक और वर्ड बोला तो जुबान खींच लूंगा। इस मामूली घर को बैंकॉक का पैलेस समझ रहा है? गौर से देख, चार दीवारों के बीच धरती का नारे है। छोड़ो तुम लोग, छोड़ो। इस तरह लड़ने के बजाय तुम पांचों मिलकर क्यों नहीं रहते? ये तीनों किसी जन्म में मेरे भाई नहीं हो सकते। देखा इन लोगों का गुरूर, आपको समझाया था ना कि इस घर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, पर आपकी जिद थी। बहुत बड़ी भूल कर दी आपने, ऐसे आदमी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। जरा भी अफसोस मत कर, देख रहा तू उम्र के इस पड़ाव में जवान खून बगावत करता ही है, लेकिन जिस दिन उनका खुद का परिवार होगा ना, तब इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और तब जाकर उनको एहसास होगा कि माँ बाप बनना कितना मुश्किल होता है। बच्चों ने जो भी किया है तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ एवरी जनरेशन। जनरेशन आती रहेंगी लेकिन इंसान की सोच कभी नहीं बदल सकती। बच्चे हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स आपके बच्चे हैं। जिन अनाथों को माँ का प्यार दिया और बाप ने कंधों पर बिठाया, जिन्हें चलना सिखाया, दिल से हर खुशी देने की कोशिश की, आज उनसे ही ये खुशी नहीं देखी जा रही? कहीं ये सब बहुत बड़ी भूल तो नहीं थी? उनकी लाइफ के हर सवाल का जवाब थे आप दोनों, उनकी लाइफ के गाइड थे। आज आपकी लाइफ एक पजल बन के रह गई है और वो है कि उन्हें सिर्फ अपनी खुशी दिखाई दे रही है। लगता है उन्हें सच बताने का टाइम आ चुका है। हनी, वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तक वो सिर्फ माँ के आंचल से वंचित रहे, मुझे अपना पापा समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें सच पता चल गया हमारी शादी बेमानी हो जाएगी। चाहे हमने उन्हें जन्म न दिया हो लेकिन हमने उन्हें पाला तो है। वो लोग हमेशा प्यार मोहब्बत से रहे, यही हम चाहते हैं। ए लकी, ये कहाँ लेके जा रहा है हमें? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? क्या कह रहे तुम? कर रहे वो इनकी असली माँ नहीं है? ये दोनों अनाथ हैं? क्या ये सच है? लगता है तू सच में पागल हो गया। हाँ, लकी सच कह रहा है। एक्चुअली ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, पर आज लकी ने उनकी बातें सुन ली। एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि आज लाइफ में पहली बार ये मम्मी पापा बोल पाया। क्या तुम्हारी मॉम ने कुछ गलत किया? जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का दर्जा ऊंचा होता है। उन्होंने अपनी मोहब्बत सैक्रिफाइस की और सिर्फ तुम दोनों से मोहब्बत की। क्या यही थी उनकी गलती, या फिर तुम्हारे पापा गलत थे? तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने अपनी खुशी की परवाह नहीं की, क्या यही थी उनकी गलती? बोलो, जवाब दो। ये बात मॉम ने हमसे छुपा कर क्यों रखी? अगर बताती तो क्या करते? बापू ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? मैं उन्हें से पूछूंगा। जाके क्या पूछोगे उनसे? हाँ, कि मुझे अनाथ क्यों नहीं रहने दिया? इतने सालों तक मुझे बाप का प्यार क्यों दिया? आज तक तुम सबसे ये बात छुपाई, वो दुखी रहे और तुम्हें खुश रखा। अब जाओ और उनसे कह दो कि तुम्हें सब पता चल गया है। जाकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दो। जाओ, रुके क्यों हो? जाओ। हनी,
आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। लगी यही सच है कि तुमने कुछ नहीं सुना, इस फैक्ट को भुला देंगे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आज से वही हमारे माँ बाप हैं। आज तक उन्हें बहुत दुख दिया है पर अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तूने तो पूरी फैमिली को बागवान से हम साथ साथ है कर दिया। कल रात जानी दुश्मन जिगरी दोस्त बन गए। इस खुशी के मौके को हमें अंकल आंटी के साथ सेलिब्रेट करना है। मैं उनके सामने ही विजय को आई लव यू कहूंगी। hey, किस लिए आई है? तुमसे मिलने आई है। Why so late? Sorry. What the news? पहले अंकल आंटी को आ जाने दो। लगता है कुछ खास है, special news. You naughty fellow. Hello, अंकल, one minute. Hello, अंकल, कहाँ रह गए आप? आप ही का वेट कर रहे हैं। आखिर मिल ही गए। उठा लो रे इसे। अबे तू कौन है रे? यही सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। ये लड़की तेरी क्या लगती है हीरो? इसे हाथ लगा जवाब मिल जाएगा। मारो रे इसे। मेरे ही सामने मेरे भाई को मारेगा, इतनी हिम्मत? पापा पर वार करने का मतलब है मेरे दिल पर वार। जाती है।
अगर हनी को हमारे हवाले नहीं किया तो इसका गला काट दूंगा। ए, मेरी माँ के खून का एक भी कतरा बहाया तो सिर काट के चौराहे पे लटका दूंगा। रुक जाइए सब, प्लीज स्टॉप इट। ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे इनके साथ जाना होगा। आज मैं आप सबको यहाँ पर बुलाकर अपना पास्ट ही बताने वाली थी, लेकिन आज ही के दिन मेरा अतीत लौट आया। लेकिन आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे वापस जाने दो। मैंने गलत कहा था कि मैं कनाज हूँ। हनी मत जाओ। कैसे नहीं आएगी? चल रहे वरना तेरी आंटी टू पीस हो जाएंगी। चल हनी मत जा। अरे मालिश का, किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो इसकी सांसें रोक दूंगा। चल रहे बड़ी आई थी, बहुत घुमाया तूने। चल बैठ गाड़ी में। Don't worry, sir. She's all right. Okay? Thank you, doctor. अब कैसी तबीयत है उसकी? फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। लेकिन हनी को लेकर उसके और मेरे मन में जो डर था वो सच हो गया है। हनी ने इतने दिनों तक अपने परिवार की बात हमसे क्यों छुपाई? वो बताने से पहले आपको उसकी कहानी सुननी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। हनी वहां से निकलने में कामयाब हुई और पटाया आके हमारे साथ रहने लगी। वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, पर विजय से प्यार होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन मिलने पर भी उसने अपना वीजा फाड़ दिया और आप लोगों के साथ रह गई। और यही हनी की सबसे बड़ी बदकिस्मती साबित हुई। मेरी बच्ची, आज तक अपनी बेटी की झूठी कहानी सुना के हमें बेवकूफ बनाता रहा। रात से हनी अपने ससुराल में रहेगी। आशीर्वाद देने शादी में जरूर आना और खाना खा के जाना। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। साइड आर्टिस्ट बाजू में हो। ए, चल रहे। ससुर जी, आपकी 14 साल की दुश्मनी उसका बदला लेने का अरेंजमेंट कर दिया। शाबाश। ए, साइड दे रहे। टकला। ए। तेरे लिए ऐसी कमरा है, चल अंदर। ये है सुयोधन का घर। इस घर में एंट्री का मतलब है शेर की मांद में मुंह डालना। यहाँ रहने वाले लोग इंसान नहीं, हैवान हैं। चाहे शेर की मांद हो या फिर मगरमच्छ का मुंह हो, जब तक हनी को इस घर से नहीं निकालेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। ये नामुमकिन है। आप हमारी मदद करेंगे या नहीं? ठीक है, आज रात को वाटर टैंकर में छुप कर घर में एंटर करना। रामू, नल चालू कर। अरे भाई लोग, क्या हुआ भाई? ये देखो बाबा जी का हॉट वीडियो अपनी दासियों के साथ।
यहाँ खर्राटे मार रहा है। अगर किसी परिंदे ने भी घर के अंदर कदम रखा तो मैं तुझे मार दूंगा। माफ करना भाई, माफ करना। फिर से सोया तो मौत की नींद सुला दूंगा। आगे से ऐसा नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने रीति रिवाजों को भूलकर यहाँ के रीति रिवाज सीख लो, इसी में तुम्हारी भलाई है हनी। क्यों रे, शादी से पहले तेरे नखरे शुरू? अपने होने वाले पति से कोई शर्माता है? तुझे उसे गले लगाना चाहिए तो तू उससे दूर भाग रही है, लिखा ले। इसके 2 दिन खाना नहीं दूंगी ना तो सब समझ में आ जाएगा, या तेरे को पिज्जा बर्गर खाने को नहीं मिलेगा। सुबह मिलते हैं। I love you, Biju. I missed you. I know. Biju, यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें लेने पूरा परिवार आया है। अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है हनी। मैं नहीं आ सकती। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पे हैं ना। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने पेरेंट्स की फिक्र है। अगर भागने की कोशिश भी की तुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन घर पहुंचने पर तुझे माँ बाप नहीं उनकी लाशें मिलेंगी, समझी? अपने प्यार की खातिर अपने पेरेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकती। शाबाश, सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम प्यार से ज्यादा अपने पेरेंट्स को अहमियत देती हो। पहले तुम्हारे पापा से बात करेंगे, उनसे इजाजत लेकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। जाओ यहाँ से। अपना ख्याल रखना। अरे वाह, उसे बचाने के लिए बैंकॉक से आए हो? पकड़ लिया, तुम लोगों ने यहाँ के बहुत बड़ी गलती की। आज खाना खा के नींद आ रही है। ये क्या, ये गधा जमीन पर कैसे गिरी? अरे ये देखो, यहाँ इस पे डेंट पड़ गया। हाँ? अरे ऐसा हाथ क्यों लगा रहे, इसे ऊपर जाके रख दे, किसी ने देख लिया तो खामा का पकार कटेगी। वैसे भी 3 महीने से सैलरी कहाँ मिली है? अरे ये तो सिद्धा बाबू है, रोज रात को दारू पी के पड़ा रहता है। अरे सर से खून बह रहा है। 1 साल तक भेष बदलना होगा, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अज्ञातवास संपन्न होते ही तुम अपने असली रूप में वापस आ सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। मुझसे ज्यादा तुम हनी को प्रेम करते हो, वो वाकई में एक भाग्यशाली लड़की है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सके। एक बार को अगर मैं हाँ भी कह दूं, लेकिन दोनों गांव के लोग इसे स्वीकारेंगे नहीं। ये मेरे पापों की सजा है। भाई साहब, आप अपने पापों की नहीं बल्कि नेकी और अच्छाई करने की सजा भुगत रहे हैं। दशरथ से वचन लेने के बाद कैकेयी का राम को वनवास भेजना, क्या ये उचित था? कौरवों ने पांडवों को जुए में हरा कर वनवास भेज दिया, माना कि वो एक खेल था, लेकिन क्या वो धर्म था? देखिए भाई साहब, आपके शर्त हार जाने पर हनी को उनकी बहू बनना पड़ेगा, नियम के हिसाब से यह सही है, पर यह खेल तो छल से जीता गया ना। अंकल, आप चाहे जिंदगी में दुख आए या सुख, अपनी लाइफ हनी के साथ ही बिताऊंगा। हनी को मैं बचा कर रहूंगा। वहां जाके उन्हें बचाना कोई बच्चों का खेल नहीं। इरादा पक्का हो तो पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है, चाहे भ्रम पैदा करना पड़े, चाहे माया की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, चाहे हमें बहरूपिया बनना पड़े या फिर छल से उन्हें चकमा भी क्यों न देना पड़े, हम उन्हीं के हथकंडों को उन्हीं पर आजमाएंगे। चाहे सुयोधन का सर झुका के उसे अपनी गलती का एहसास करवाना पड़े, हनी को हम वहां से बचा के ही लाएंगे। कोई प्लान है आपके पास? आज एक नई महाभारत लिखी जाएगी। मैं ज्योतिष शास्त्री बनकर विराट नगरी के राजमहल में प्रवेश करूंगा। और मैं युधिष्ठिर की तरह विराट नगर में जाके चौसर का खिलाड़ी बनूंगा। और तुम क्या बनना चाहोगे? भल्लो की तरह राजमहल में मुख्य रसोईया बनकर काम करूंगा। तुम कौन सा रूप लेकर जाओगे? मैं ग्रंथिका की तरह राजा का अश्वपाल बन जाऊंगा। और तुम क्या करोगी? मैं ठीक साई रांधेरी की तरह रानी की दासी बनकर उनके साथ महल में रहूंगी। 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान हमारा ये भेद किसी भी तरह खुलना नहीं चाहिए। यद्यपि खुल गया तो 14 वर्ष पुनः वनवास काटना होगा। मुरारी बाबू, आप सुयोधन के किसी दोस्त को जानते हैं? हाँ, बुरीदी नाम का एक जागीरदार है, कल उनके घर में शादी है। नमस्कार सुयोधना, स्वागत है। जुए की दुनिया का बेताज बादशाह, आपके लिए बाजी पहले से जमा रखी है।
वो देखिए वहाँ, और जवानों के लिए खास इंतजाम किए हैं। साड़ियों में लिपटी सुंदर अप्सराएं नृत्य के जलवे बिखेरने के लिए बेकरार हैं। आजा आजा, कौन है तू? ओ ओ ओ, 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 ओ नमः शिवाय। कौन है ये आदमी? लगता है नौटंकी वाला है। पूर्व से पूछोगे तो सूर्य उत्तर देगा, पश्चिम से पूछोगे तो वायु पहचान बताएगी, उत्तर दिशा में सवाल किया तो पर्वत पता बताएंगे, और दक्षिण दिशा से प्रश्न किया तो मृत्यु के देवता यमराज तुम्हारी खबर लेंगे। ए, हमें देख के तो यमराज भी डर जाता है। बहुत ही नादान और छोटी बुद्धि के प्राणी हो। ठीक 14 मिनट बाद मृत्यु तुम्हारे सर पे गिरेगी। मृत्यु तो हम देते हैं, हमें मृत्यु से क्या डर? फ्रॉड है। जब ग्रह गर्दिश में हो तब ग्रह राजा एंटर होते हैं, आने वाले पल का भविष्य एडवांस में बताने के लिए। अभी से 14 मिनट पश्चात तुम दौड़ के उनके चरणों में गिरोगे। रमी के खेल में बड़ी बड़ी रियासतें लुट गईं, लेकिन आज तक तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे घर का नाम ही अपराजित है। कल तक मैं भी आपको ताश का बेताज बादशाह समझता था, फिर असली खिलाड़ी से मिला, आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। तो फिर बुलाओ उसे। यही है वो। गोपी, गैम्बलर गोपी, 24/7, 365 डेज, कार्ड्स, क्लब्स एंड कैसीनोस। बॉडीगार्ड तो बहुत हैंडसम है, बस कमी है तो सिर्फ सनग्लासेस की। लो, पत्ते बांटो। ऑलरेडी डन सर। अरे, पत्ते कब बांटे पता नहीं चला। ये राजधानी से भी फास्ट है। एक नंबर का फ्रॉड पंडित है, अब क्या खतरा आसमान से टपकेगा? सिगरेट जला। हमारी खातिरदारी के लिए कुछ किया है? ये क्या हुआ? ठीक था ना? बहुत किस्मत वाले हो भाई, बाल बाल बच गए मरने से। यमराज शो, अनाड़ियों के साथ खेलना मेरी शान के खिलाफ है। अबे जुआ सम्राट, तीन पत्ती का बेताज बादशाह, सुयोधन जैसे महान खिलाड़ी को हराना मेरा सपना है। तुम्हारा सपना साकार हो गया, तुम इस समय सुयोधन के साथ ही खेल रहे हो। सचमुच? What are you saying? Oh my God, sir! What an honor! What a pleasure! जिसे अपना उस्ताद माना उसके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? Just one minute, sir. दोनों टक्कर के खिलाड़ी हैं। Sir, please, smile. Thank you, sir. इतना काफी है। मैंने आज आपको यहाँ हरा दिया। मेरा lifetime ambition पूरा हो गया। अब retire हो जाऊँगा। रुको दोस्त। 14 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है। मेरे मेहमान बन के रहना। तुम्हारे साथ खेलकर तुम्हें जरूर हराऊंगा। मेरा नाम है सत्या कुमारी, मेरी स्पेशलिटी है लड्डू। डायबिटीज ना हो जाए। वाकई स्वादिष्ट है। ये लड्डू आपने खुद बनाए? नहीं तो, मेरे असिस्टेंट ने बनाया है। अच्छे हैं? बहुत ज्यादा। थैंक यू। लड्डू या लेडी? लड्डू लड्डू। वैसे ऑर्डर भी लेती है। मेरे घर चलोगी? किस लिए? इनके घर में भी तो शादी है। हाँ, वही वही। एडवांस दे दो, मैं आऊंगी। पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोनों आपको पहचान नहीं पाए। हमने आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। ग्रह राजा, बेटा तुम दोनों की जन्म कुंडली, चेहरे की कुंडली, घर की कुंडली सब कुछ पढ़ सकता हूँ, मृत्यु से भी बचा सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। पापा 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 पापा, आपने हमें जन्म दिया लेकिन इन्होंने हमें पुनर्जन्म दिया, हमें मौत के मुंह से बचाया इन्होंने। हाँ पापा, इनके पैरों में गिर जाइए। हाँ पैरों में गिर जाइए। दुनिया मेरे पैरों में गिरती है, कहीं और आशीर्वाद दे, चल भाग। जरा एक मिनट सर जी, ये बच्चों के जिंदगी और मौत का सवाल है। जैसे ताश के खेल में पप्पू जिताता है, असल लाइफ में पंडित बचाता है। इतनी ऊंची ऊंची हांक रहे हैं, एक बार आजमा कर तो देख लीजिए। पापा, इनका विश्वास तो हासिल कर लिया, लेकिन घर में एंट्री कैसे लेंगे? अजय धैर्य रखो, घर में कैसे गृह प्रवेश करना है सब कुछ वर्कआउट कर लिया है, बस देखते जाओ। पापा, इतने साल से हमारा अकाउंटेंट रहने के बाद पैसों की हेरा फेरी की, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेईमानी बर्दाश्त नहीं है। निकल यहाँ से। ससुर जी, ससुर जी, वो कहाँ है मैंने पता लगा लिया, आखिर मैंने उसे ढूंढ निकाला। ससुर जी, क्या हुआ? पांडवपुर के लोगों ने उसे कहीं दूर भेज दिया है। सच में? 14 साल हो चुके हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ससुर जी, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, मैं जाता हूँ।
साहब। इसका नाम है कैप्सूल बाबा। यूनानी पद्धति से लॉस्ट मेमोरी का इलाज करने का असफल दावा करते हैं। साहब हम दोनों को इसके मर्ज का इल्म है। कर्ज 1 और 2 का रीमेक है ये। इसका अतीत इसके लिए भूली दास्तान बन चुका है। मेरे झाड़ू के फटके खा के इसे एड्रेस तो याद आ गया, मेरी कैप्सूल खा के इसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर याद आएगा। हाँ ये सही बोल रहा है। मेरा कैप्सूल कहाँ है? ये लो, जाकर इलाज करा। चलो अंदर चलो। आइए पंडित जी, आइए आइए। ओ तब तब रुक क्यों गए गुरुजी? पैर को रिवर्स गियर में क्यों डाला? आदित्य आए, सोम आए, मंगल आए, नमः आए, बुध नमः आए, गुरु शुक्र शनि राहु के द्वाए नमः। इस घर में किसी दुष्ट आत्मा का वास है, शुद्धिकरण करना होगा बच्चे। ए, क्या बकवास कर रहा है? घर की रक्षा एक पवित्र गदा कर रहा है, भूतों की क्या मजाल की यहाँ है? उसी पापी आत्मा ने उस गदा में डेंट कर दिया है। बेटा जाके गदा लेकर आ, जा। जी। जय दुर्योधन, ओम गदाय नमः। पापा गुरुजी ने एकदम सही कहा, इसमें डेंट है। दिखाओ जरा। अब हमारी लाइफ में डेंट पड़ जाए उससे पहले उस आत्मा को इस घर से निकाल दीजिए स्वामी जी। सुन रे गजा, लड़की एक नंबर की ढीठ है, उस पर इतना टॉर्चर करके अधबरी हो जाए। अगर एक हफ्ते में शादी के लिए राजी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। है कौन है ये भिखारी लोग? जब देखो तब दरवाजे पे भीख मांगने आ जाते हैं। मेरी बुआ पर हाथ उठाता है। ओ, इसके शरीर पर दुष्ट आत्मा का साया है। ये कितने सालों से तुम्हारे घर में अटकी हुई है? 14 सालों से। आखिरी बार जुए में कब हारे? 14 साल पहले। वैसे तुम कुंवारे कितने सालों से इधर उधर भटक रहे हो? 14 सालों से। अब निर्णय आपका है, दुष्ट भूतनी का टेंशन चाहिए या स्वामी जी का टनाटन आशीर्वाद? जितनी जल्दी हो सके इस बला को यहाँ से निकालो। अभी निकालता हूँ, जाओ इन्हें बॉर्डर पर फेंक कर आओ। अरे मैं भूतनी नहीं। रुक, चाबी दे। ससुर जी तिजोरी की चाबियाँ। इतने दिनों में पहली बार भाभी जी ने आपको ससुर जी कहा है, ये सब स्वामी जी का चमत्कार है। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। ए विजू, ये क्या ड्रामा है? पांडव भाइयों को भी अज्ञातवास में भेष बदलकर छुपना पड़ा था, हमें भी यहाँ कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है। फर्क ये है कि उन्होंने अपने लिए किया और हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। इस एनआरआई महाशय का नाम है रविंद्रनाथ लुधियानवी। ये गांधी जी यानी कि बापू की राइटिंग्स के बहुत बड़े फैन हैं और सत्यजीत रे की फिल्म्स के भी, इसलिए अपने कद को सूट करता हुआ एक छोटा सा निकनेम इन्होंने रख लिया है, बापू रे। भले ही पूरी जिंदगी इन्होंने विदेश में बिताई हो पर हर देसी चीज से इन्हें प्यार है। आहा, देश की हवा, देश की मिट्टी। और अबे तेरी भैंस की टांग, नाक लंबी करके क्या सूंघ रहा है? बावरा हो गया क्या? गांडो थे यो से खेल सपो। गालियां भी गुड़ से मीठी हैं। प्रिय बालिके, कुशल कुमारी, भारतीय संस्कृति सीखने का समय आ गया है। डैड, डोंट कॉल मी कुशल कुमारी। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू? कॉल मी कुकू। कुकू से कुशल बनाने के लिए तो यहाँ लाया हूँ। डैडी मुझे ये साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वांट माय शॉर्ट्स राइट नाउ। ओ माँ, मरवाओगी क्या? कुछ समझो, जुए में शर्त हारने के बाद यहाँ खुले घूम रहे हैं 3 बैल, पता नहीं क्या करेंगे, कहीं तुम्हें सिंग न मार दे। डू यू मीन बुल्स डैड? या मीन गर्ल्स डैड? इतना एक्सेंट मत मारो, मुझे मरवाओगी। हे गुना। जी पापा। लग्न पत्रिकाएं लेके कौरवपुरम के एक एक घर में जाके बांट दो। समझो बट गए। मैं आ गया। कब से तुम्हारा इंतजार था, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? गणेश जी के बाद पहला कार्ड मुझे मिला, मैरिज ग्रैंड सक्सेस। आजकल कौन सी किताब लिख रहे हो? कुछ दिन पहले आई लव माई युगांडा इस नाम की किताब मैंने पढ़ी, उसी से आइडिया चुरा कर आई लव माई इंडिया लिख डाली। ये तो मेरे जीजा जी हैं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? कन्याकुमारी कुशल कुमारी, मामा श्री बुला रहे हैं। इसका तो वस्त्र हरण हो गया। ला 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 ला। अरे ये कोई ड्रेस है? तुम्हारी साड़ी कहाँ है? वो तो मैंने उतार दी, इट्स टू हॉट। पहनने में 1 घंटा लगाया, उतारने में 1 मिनट। इंसान के वस्त्रों से क्या फर्क पड़ता है? बेटी बहुत सुंदर है, गुनाह से शादी कर सकती है, बस एक बार छोटे बेटे की शादी हो जाने दो। या फिर मुझसे भी शादी कर सकती है? साले साहब प्लीज आपका निर्णय मत बदलना, आपसे भीख मांगता हूँ। पहली बार जब लड़का इसे देखने आया उसी वक्त हार्ट अटैक से मर गया, दूसरे लड़के से कुंडली मिलाई तो उसे लकवा मार गया, तीसरा एक्सीडेंट से मर गया, चौथे को एड्स हो गया। हाँ भर के आपने इसकी लाइफ संवार दी, दोनों गधों में से कोई भी चलेगा। कहाँ गए दोनों दूल्हे? घोड़ी चढ़ने से पहले ही भाग गए।
आहा, देसी संस्कृति के असली प्रतीक देखो। आधे चंदा मामा, कौन है ये महापुरुष? घर के सारे संकट दूर करने वाले ज्योतिष महाराज और उनके असिस्टेंट। तस्मय जागृता। शुभ प्रभात, नमस्कार। मेरा नाम है बापुरे। आप ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। नौ ग्रहों की मरम्मत और देखभाल करते हैं। इसके लिए आपने कौन से ग्रंथ पढ़े, कौन कौन से मंत्र रटे, इस ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। युमिन शास्त्र, मंत्र, सब जानना चाहते अवश्य। कान साफ कराए ना बापू, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना बेटा, वो आईएएस आईपीएस टॉप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनते हैं। और जो सेकंड क्लास में पास होते हैं, वो एमबीए करके मैनेजर्स बनते हैं, फर्स्ट क्लास पास को कंट्रोल करते हैं। और थर्ड क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट्स पॉलिटिशियन बनके सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वालों पे राज करते हैं। और जो अंगूठा छाप होते हैं, वो गुंडे या तो डाकू बनते हैं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी क्लासों पे राज करते हैं। और बापूरे, इनके ऊपर भी कुछ ऐसे लोग हैं, यानी हम जैसे संत महात्मा, जिनके पैरों के नीचे सारी क्लासेस लगती रहती हैं। कितने ज्ञानी हैं, कितने महान हैं। दुनिया की हर डिग्री आपके लिए तुच्छ है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आधे चंदा, चलो। एक बात ध्यान में रख, इस पौने पांच फुट की आफत से बच के रहना। ठीक है बापू। नाइस चिकन, टेस्टी। वाह वाह, देशी दाल, देशी पनीर, देशी पुलाव, देशी अचार। क्यों भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया? मैंने बनाया सत्या कुमारी। ये स्वादिष्ट भोजन बनाया मैंने और चंगू बंगू ने। आइए, ये ग्रह राजा हैं। तथास्तु, तथास्तु। और वो उपग्रह राजा। गुरुजी, कितने शुद्ध देशी नाम है ना। कुशल कुमारी, ग्रह राजा जी, विवाह हो गया? बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ बच्चा। इसका कोई खास कारण? ये सब बातें खाने के टेबल पर नहीं पूछी जाती गधे। सुबह खेतों में मिलोगे तो बताऊंगा कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया। डैड, ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य यानी जब हमारे शरीर के अंदर से इच्छाओं के बुलबुले उठने लगे तो उन्हें तप के इनों से दबाकर वश में कर लेना। इसलिए ये महापुरुष हैं। क्या तुम भी ब्रह्मचार्य हो? अपनी मूर्खता भरी बातें बंद कर, ये विलायतीपन छोड़ दे। मेरी शादी हो चुकी है। ओ, जानकर खुशी हुई। आपके पति कौन है? यही तो है। क्या माजरा है? अभी अभी तो इन्होंने कहा कि ये बाल ब्रह्मचारी है। ये मेरे पति जैसे दिखते हैं, वो तो फॉरेन में वड़ा पाव बेचते हैं। ओहो, ये बात है। मेरे ऊपरी माले को झटका लग गया था। देखा बेटी, इनके पति परदेश में है, फिर भी कितनी कमनीय है। ये है देशी नारी का संयम। अगर कोई फिरंगन होती तो खप 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 खा खा के मोटी हो चुकी होती। फॉरेनर्स के लिए आपकी ऐसी सोच कैसे बनी? ये 6 फुट लंबा देशी पहलवान कौन है? ओए, गैम्बलर गोपी। ओ साले साहब को हराने वाले गोपी तुम ही हो। उन्हें हराने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा हुआ तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ, जुआ खेलना भुला देता। अरे आप उंगली क्यों कर रहे हो, मतलब पकड़ रहे हो? किसी पर उंगली उठाओगे तो 4 ही बचेंगी बच्चा, एक महापुरुष ने कहा। देशी महापुरुष था, 5वीं का क्या होगा? धन्यवाद मेरी उंगली बचाने के लिए। बापुरे बापुरे, टेंशन मत ले, लघु शंका दीर्घ शंका सब निपटा लो। लघु शंका दीर्घ शंका, इसका अर्थ क्या है? आपको कविताएं लिखने का शौक है ना, फिर भी आपको इन दोनों बातों का मतलब नहीं पता। लघु शंका का मतलब है 1 नंबर, दीर्घ शंका का मतलब है 2 नंबर। शो। एक बार तो इसे हरा कर रहूंगा। हेलो, तुम? नंबर बदल दिया, नेटवर्क चेंज कर लिया, फिर भी ढूंढ लिया। कहाँ हो इस वक्त? यहीं पर हो? कहाँ? Damn it! कौन है दोस्त? मेरी फियांसे है। मंगेतर है, फिर भी इतना चिल्ला रहे हो, गुस्सा हो क्या? अरे वो कोई लड़की है क्या? साड़ी में लिपटी सुनामी है। 10 साल की थी तब से लेकर आज तक मुझसे प्यार करती है। उम्र बढ़ गई लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। वैसे उस सुनामी की उम्र क्या होगी? Only 25. हा हा हा,
देशी नारी, अजंता की मूरत, क्या कहने इसके, अंग अंग में देशी सौंदर्य झलक। बिल्कुल गलत, रेस लगाने को तैयार एक अरब की हरी भरी घोड़ी लग रही है। मुझे ये चाहिए भैया। अगर भीगी साड़ी में आ जाए तो मजा आ जाए। एक नारी को देखा नहीं कि हो धुआं निकलने लगता है, निर्लज ठरकी कहीं के। यहाँ भी आ गई, एक पल भी मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। डांटते क्यों डार्लिंग, वर्ल्ड बैंक के कर्ज की तरह दिन ब दिन मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है और तुम्हारा लव अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी की तरह रोज रोज घटता जा रहा है। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अंकल झटका लगा, सॉरी, जोर का तो नहीं लगाना। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं जा रही हूँ खुदकुशी करने, पास में रेलवे ट्रैक है क्या? रोइए मत प्लीज, विजय को मैं समझाता हूँ, आप हिम्मत रखिए। दोस्त, तुम्हारी मंगेतर हमारी मेहमान है, ओए मेहमान को अंदर ले जाओ। अंदर ले जाने की क्या आवश्यकता है, ये मेरी बेटी के कमरे में रह सकती है, ठीक है ना? अंदर आइए। आइए, इसे कहते हैं देशी हरियाली। अंकल ये कौन है, इतना भड़क क्यों रहे हो? ये मंगेतर है गोपी जुआरी की। नमस्ते। नमस्ते बेटी। कुशल कुमारी, कुशल कुमारी, कन्या कुमारी, ये सुंदर नारी तुम्हारे साथ रहेगी। वेनिला आइसक्रीम पे ब्लूबेरी टॉपिंग। मैं भी तो ब्राउनी हूँ। तुम भी स्ट्रॉबेरी हो। नाइस ड्रेस। थैंक यू। इस देशी रबड़ी को अपने कमरे में ले जाओ, संभाल के, बहुत नाजुक है। बापूरे, इस लड़की को ना? इस लड़की को अपनी बेटी के कमरे में अकेले मत भेजो। ओ देवी जी, ये क्या है, नियम और शर्तें लागू मत कीजिए मुझ पर। अपना मुंह बंद रखो, मुझे भी आता है। अंकल इसकी एक गंदी आदत है, बगल में सोए इंसान पर पैर रखकर सोती है। तो उससे क्या होता है, अरे दोनों महिलाएं तो हैं, दोनों साथ सोने से क्या समस्या होगी, एक दूसरे पर पैर रखे हैं हाथ, तुम्हें क्या? अरे अंकल चुप कर, अपनी राय का जाके छोक लगा, तुम चलो अपने कमरे में। बापुरे, 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 अरे गले की सीढ़ी अटक गई क्या? जैसे दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, गया गोल्डन चांस, उसी तरह दो स्त्रियां एक कमरे में नहीं रुक सकती, वास्तु दोष लगता है। सारा ज्ञान का भंडार तुम्हारे पास, ज्ञान के मोती यहाँ वहाँ बिखरे हैं, उन्हें चुग लो, भेजे में ठूस लो, बात करते हो, फोन में भी दो सिम रहते हैं, तो ये दोनों साथ रही तो क्या हुआ, चले आते हैं मुंह उठा के राय देने, चलो निकलो यहाँ से, जाओ उठो, अपनी बेटी का भला बुरा जानता हूँ मैं। देवी तुम हो आदर्श नारी, देशी संस्कृति से भरी, मेरी बेटी को भी बना देना संस्कारी। सेंचुरी होने वाली है। सेंचुरी होने वाली है भाई, मुझसे नहीं होगा। तू गिनते रहे। मोहिनी की झलक पाने के लिए हमें टॉर्चर कर रहा है। रंगोली बहुत अच्छी है। थैंक यू। तुम्हारे डोले शोले भी स्ट्रॉन्ग है। मुझे इतने सुबह सुबह क्यों उठाया डैड? शुभ प्रभात दिखाने, शुभ भारतीय नारी के दर्शन कराने, ये पूजा से अपना दिन शुरू करती है। क्या भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। वो एक बेल की तरह उस पिलर के चक्कर क्यों लगा रही वो है? वो तुलसी माता की परिक्रमा कर रही है। ओके, यू मीन मेरी गो राउंड, राइट? नहीं तेरी, मेरे टूटे भाग फूटे करम। चलो तुम अंदर जाओ। बाय। देखो कितनी संस्कारी है, तुम्हें भी इनसे संस्कार सीखने चाहिए। आज कोई विशेष पूजा हो रही है? आज गुरुवार है ना, एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए गुरुवार खास दिन होता है। लेकिन आज तो शुक्रवार है। मुझे पता है, मैं शुक्रवार से ही अगले गुरुवार तक की पूजा की शुरुआत कर देती हूँ। सुन के हृदय को संतोष हुआ। आज शैम्पू और कंडीशनर से नहाने के बजाय हल्दी और चंदन लगाकर मेरी बेटी को नहलाना। ये हल्दी का बात क्या होता है डैड? कितना अज्ञान है। एक तरह की आयुर्वेदिक पद्धति है। सबसे पहले पूरे शरीर पर हल्दी चंदन का लेप लगाते हैं, फिर दूध और जल से नहलाते हैं। वाओ, साउंड्स इंटरेस्टिंग। तुम अपने हाथों से मुझे नहलाओगी? हाँ, अवश्य अवश्य। हल्दी चंदन दूध से नहलाने के बाद इसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लगाना मत भूलना। क्या
आई यू, क्या बकवास कर रहा है? एक्चुअली बाथरूम सेफ नहीं है इसलिए मत ना है ये ना। क्या सेफ सेफ? उस दिन कह रहे थे कि बेडरूम सेफ नहीं है, आज कहते हो बाथरूम सेफ नहीं है। असल बात क्या है सेफ सेफ बताओ। बापू रे सर, बात की गहराई को समझिए। टूथपेस्ट को दबाओ पेस्ट निकलेगा, फिर उसे वापस डालना चाहो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। ट्यूब दबाऊंगा तो क्या निकलेगा? पेस्ट। वापस अंदर डालना चाहूं तो क्या होगा? नहीं जाएगा। लेकिन उसे अंदर क्यों डालूंगा? ब्रश नहीं कर लूंगा। गेट लॉस्ट। इतना काफी है या और कुछ चाहिए? काफी है। ओके शैल वी स्टार्ट? प्यार हो गया, क्या लड़की है, क्या लगती है। बहुत एक्टिंग कर ली, अब चल। कहाँ ले जा रहे हो? प्लान करना है। अजय, अपने मकसद को भुला के किस चक्कर में पड़ गए? पापा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उस लड़की को देख के भाग गया। सब लोग समझ गए ना, हम में से हर कोई अपना किरदार ठीक से निभाएगा। बेस्ट ऑफ लक। साले साहब, साले साहब, साले साहब, कौन है? कौन है वहाँ? ए, कहाँ छुप गए? यहाँ कोई है साले साहब? ए, कौन बात कर रहा था? कहाँ है? क्या हुआ बे? साहब, साले साहब, साले साहब। क्या हुआ? अबे भौंक क्यों रहा है? कुत्ते की आत्मा घुस गई है क्या? यहाँ कोई है साले साहब? मैंने किसी को बात करते हुए सुना है? पर जब मैं यहाँ देखने आया तो कोई दिखाई नहीं दिया। जाके ढूंढो साहब। नहीं, ढूंढो उसे। ढूंढो जल्दी। देखो उधर छुपा होगा। नहीं, उसके अंदर देख। लेकिन मैंने खुद देखा था, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है बाबा, कहीं नहीं मिला, मिला। नहीं है भाई। गधा कहीं का, सबकी नींद खराब कर दी। फिर से उल्लू बनाया तो जिंदा दफना दूंगा। इस काली रात में कोई काली बात है क्या? सर, आधी रात को सबको जगा के नींद खराब कर दी। यहाँ पर अवश्य कोई बिरयानी पक रही है। वो हैदराबादी है या सिंगापुरी, मैं पता लगा के रहूंगा। ब्रो, लगता है इसके गले में चेन डालनी पड़ेगी। हाँ, ये सांड काबू से बाहर हो गया है, इसे लगाम लगाना ही पड़ेगा। इसका इलाज शुरू कर दो। और मैंने 500, इतना ही नहीं, मैंने लेट के भी 200 परिक्रमाएं लगाई। बापूरे, क्या हुआ? परेशानी है क्या? 7.5 फुट ऊंची कमान 4.5 फुट के आदमी से कैसे टकरा सकती है? मौत अपने जिद पे आ जाए तो जिसे मारना है उसे मारे बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती। चुनाव जीतने तक नेता जनता की जान नहीं छोड़ते, ये सुना है? ये मौत जिद पर आ जाए, ये कहाँ से निकाला? विनाश काले विपरीत बुद्धि, योर बैड टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मौत का ग्रह लग्न से डायरेक्टली 8वें घर में गोचर हुआ है। ये घर का स्थानांतरण अच्छी बात है या बुरी बात? सारे निकम्मे मुझ पर ज्ञान थोपने आ गए। ये तेरे सिक्स पैक मेरे फैमिली पैक के सामने कुछ नहीं है। अरे बाप रे, जो बजरंग बली बना दे मुझे खली। जब बजरंग बली बना दे। बचाओ, ओ बचाओ, मम्मी बचाओ, बजरंग बली टूट गई, मेरी हड्डी तसली है। मेरी हड्डियों का भरता बन गया, भुर्जी बन गई है। तुम्हारे दिन बुरे आ गए हैं, ये 200 किलो है, सच में भुर्जी बन जाती। बाप रे, सुबह दरवाजे की कमान सिर पे गिरी, अब ये 200 किलो, माजरा क्या है? मौत जिद पे आ जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ती बच्चा। जगत के सबसे बड़े स्वामी महाप्रभु, महासंत महंत, मेरी नादानियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या समस्या है बापू रे? आपने कहा था कि मौत मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मारने की जिद पर अड़ी है, मुझे हैदराबादी बिरयानी समझ के डिनर में खाना चाहती है। स्वामी की भविष्यवाणी पे विश्वास करते हो या नहीं? 110% करता हूँ। मृत्यु मेरा पीछा छोड़ दे, इसके लिए क्या करूँ स्वामी? उपग्रह। गुरु जी, जी समझ गया जी। आपने क्या कहा गुरु जी, और इसने क्या कहा, क्या समझा? अगर हो सके तो मुझे भी समझाइए। आंखें बंद करो। लीजिए, कर ली। ये क्या है स्वामी? ये सत्य की अग्नि है बच्चा। हाँ। काशी जाके अपने पितरों का पिंड दान करो, फिर तो जीवन में शांति आ जाएगी। अगर मौत से बचना है तो सत्य की अग्नि के समक्ष मेरे सवालों का सही सही जवाब दो बच्चा। मौत यूटर्न ले लेगी,
तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? सनी लियोनी। रॉन्ग आंसर। मेरा देश। ऐसा राज बताओ जो बताया ना होगा दे। अब मैं आपका अर्थ समझा, बताता हूँ। लंबी लंबी छोड़ना। अगर लंबी उम्र तक अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है तो आज से और अभी से ये झूठ बोलना बंद कर दे। सिर्फ आज के लिए ना? नहीं, 14 दिनों तक, 14 घंटों तक, 14 मिनट तक, 14 सेकंड तक एक भी झूठ मत बोलना। अगर किसी की बुराई ना करूं तो पेट में पित्त होने लगता है। मेरी वायु समस्या का निवारण कीजिए स्वामी। तेरी गैस की समस्या का इलाज है मेरे पास, इधर आ जा। दीजिए जल्दी। गैस का स्टोव देखा है ना, उसके ऊपर जाके बढ़ाई। भाई एक सरकारी अफसर अपनी माइंस की कुछ ज्यादा ही इंक्वायरी कर रहा है। उसे पापा का नाम नहीं बताया? वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगली बार अगर वो कुछ बोले तो उसे काट देना। अजय, सही वक्त आ गया है कजा को अपने हुस्न के जलवे दिखा के अपने जाल में फंसाने का। ये हॉट कॉफी ले जाओ और उसका हीटर ऑन कर दो। फिर उसे ठीक पहले गजा को अपनी बाहों में कैद करके रखना होगा। उसके बाद क्या करना है अपन जानता है। गजा जी कॉफी। अरे मगर तुम क्यों लेकर आई हो? घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं, इसीलिए मैं ही ले आई। ठीक है, टेबल पे रख दो। हाँ। लुखे ने तो ध्यान ही नहीं दिया। वाह, ओए माँ, अयो, छिपकली, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अरे गजा, वो ये छिपकली देखकर डर गई। मुझे दूध वाली कॉफी नहीं पिलाओगी? अभी लेकर आती हूँ। हाँ ठहर की मोहिनी, यहाँ रख दो। छिपकली, छिपकली, छिपकली से तुम्हें डर लगता है ना? अरे हाँ, छिपकली से डर लगता है। अरे क्या कर रहे हो? चलो अभी ये भी कॉफी ना मांग ले। मुझे कॉफी नहीं मिलेगी। अभी लेके आती हूँ कॉफी। लो लो लो, थैंक यू मम्मी। चुपकली, चुपकली, छोड़िए, 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 छोड़िए ना, मुझे छोड़ के मत जाओ, चुपकली। ये औरतों वाली फीलिंग कब से आने लगी? इसे नहीं, नहीं, पहले नाखून निकाल तो ये। अजय अजय, हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पापा, ये रोल मुझसे नहीं होगा। आपने एक आदमी को निभाने को कहा था, यहाँ पे तो बोनस में दो दो ठरकी मेरे पीछे पड़ गए। और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तीनों भाइयों से सैंडविच मसाज नहीं करवाना चाहता। अजय आराम से बेटा, महाभारत का कीचक अध्याय शुरू हो चुका है। वो क्या है? विजय, महाभारत में कीचक नाम का दुष्ट विलेन था, लेकिन यहाँ पर तीन तीन कीचक हैं। गोली एक, आदमी तीन। तीन आदमी, मैं उनको जेल लेने वाला हूँ। अरे अरे अरे, मेरे प्यारे मान भाई, बेटा ना तो करना ही पड़ेगा, प्लान चौपट हो जाएगा। मान जा। बेटी कुशल कुमारी, कुशल कुमारी, दरवाजा खोलो, तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो। इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ बेटी? छिपकली। छिपकली, तुम भी छिपकली से डरती हो? निकलो, निकलो यहाँ से। तुम कब से छिपकली से डरने लगी? अंकल, मैं डर गई थी छिपकली से। पापा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किस लिए आए हो? मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाज सुनाई दी। हम भी आवाज सुन के यहाँ आए हैं। ओके, बड़ी होके बच्चों की तरह डरती हो? चलो यहाँ से, चलो। अंकल, हाँ बोलो। अगली बार जब अपने बगीचे पर जाए ना, तो मेरे लिए दर्जन भर बड़े संतरे ले आइएगा। हाँ जरूर ले आऊंगा। बेटी तुम्हें भी चाहिए? हाँ, उसे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तुम दोनों मिल बांट के खा लोगी? हाँ, दो संतरे अपने पास रख के बाकी उसे पकड़ा दूंगी। कितना बड़ा दिल है इसका, मैं दोपहर तक ले आऊंगा। हाँ? चलिए चलते हैं, इन्हें खेलने दो। थैंक यू कुकु। इट्स ओके। तुमने हमारी प्रॉब्लम समझ के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। हे देवी माँ, होने वाली बहू को देखने के लिए
अपनी आंखें खोलिए। आंखें खोल भी देगी तो पट्टी में से कैसे देख पाएगी? स्टूपिड। डैड, इज शी गांधारी? शी लुक्स लाइक स्टैच्यू ऑफ जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ जस्टिस कोर्ट में होता है। ये उनकी दादी की दादी की परपर दादी है। उस जमाने में आई सर्जरी की फैसिलिटीज नहीं मिलती थी ना। जब आईज का कोई इलाज नहीं हुआ तो एक दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तुम्हारी आंखों पर भी बांध दूंगा। नहीं, नहीं। आप क्या कह रहे हैं ग्रहराज जी? मुझे विवाहित जीवन का सुख नहीं मिलेगा। ग्रहों में लिखा मैं क्या करूं? आप एकदम सही कह रहे हैं। आई अप्रिशिएट दिस। कब से इसे यही बात समझा रहा हूँ। इस जन्म में मैं इसके बच्चों की माँ नहीं बन पाऊंगी तो हनीमून का क्या फायदा? दो चीजें अवश्य होंगी। और किसके साथ? हर हर महादेव शंभु शंकर। मेरा एंटेना कहता है कि तुम ऐसे घर की बहू बनोगी जहाँ एक छत के नीचे तीन भाई रहे। तीनों भाई से शादी होगी? तीन नहीं, एक से। मुझसे ही होगी। आरती संपन्न हो चुकी है, पूजा शुरू करते हैं। माता का नक्षत्र मूल नक्षत्र है, जिसका भी मूल नक्षत्र है कृपया आगे आ जाए। मूल नक्षत्र का जो भी हो। मुंडी इधर घुमाइए स्वामी, आपके सामने जो खड़ा है मूल नक्षत्र में ही पैदा हुआ है। बताइए मुझसे क्या करवाना है। आज पता चला न्याय देवता को कैसा लगता होगा। सुनिए, माता की तरह ये भी मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए आपको जो भी माता से कहना हो इनसे कहिए। साक्षात माता इनके कानों से आपकी बात सुनेंगी। तुम हमारे घर की बहू बनोगी, पहले तुम जाओ। देवी माता, ये शादी रुकवा दो। शादी करनी तो है पर अपने लवर से। आपको ये काम करना ही होगा। शादी रुकवाना चाहती है, लवेरिया है। तुम हमारे मेहमान हो, अब तुम जाओ। हनी जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी करवा दो। इसे कैसे पता कि हनी किसी और से प्यार करती है? थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। पांडवपुरम की लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए। क्या हलवा है क्या? वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करती है। माता, मोहिनी का मिलन मुझसे करवा दो। इस दिल के अंदर जो तूफान उठा है उसे किनारा मिल जाएगा। गंदी सोच, किसी और की गर्लफ्रेंड पर नजर। मैं जानता हूँ भाई ने क्या मांगा होगा। अगर उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें 2000 के 6 नए नोट दूंगा। बस ये देसी रबड़ी एक बार मुझे टेस्ट करा दो। अरे मोहिनी कोई लकी ड्रॉ है जिसे हर कोई जीतना चाहता है? ठरकी कहीं के। मैं मोहिनी। ओह, तुम्हारी भी कोई इच्छा है? माता, आशीर्वाद दीजिए कि कुशल कुमारी मेरे होने वाले बच्चों की माँ बन जाए। कुशल कुमारी मोहिनी के बच्चों की माँ? लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। इतने सारे लोगों में मुझे ही मून नक्षत्र में क्यों पैदा होना था? माता, मैं कुकू हूँ। तुम्हें भी कुछ कूकना है? हाँ, पापा को ट्रेडिशन से प्यार है। वो मेरी अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, पर मुझे किसी से प्यार है और उसी से शादी करनी है। ओहो, चलो अगला। अगला कौन है पगला? जय माता की। समझ गया बको। मेरी जिंदगी पूरी बेस्वाद हो चुकी है। अंदर की बात बताऊं, मुझे सत्या के हुस्न का जाम पीना है, बस एक बार, प्लीज। मुझता हुआ दिया टिमटिमा रहा है। साले साहब, पहली वाली रिक्वेस्ट माता जी के लिए थी, अब कान खोल के सुन। अगर किसी को भी एक शब्द कहा तो तेरी जिंदगी का दिया बुझा दूंगा। जय माता की। जय माता दी। इस हैवान का नारियल फोड़ दो। जय माता दी। ओफ, घोर कलयुग है। बताया तो बम से उड़ा देंगे, नहीं बताया तो पेट बम की तरफ फट जाएगा। अब और कोई चारा नहीं है। बेटा, ये चमत्कारी गोली है, घटक जाए इसे। इसे घटकने के बाद तुझे अगले पिछले और आने वाले 7 जन्मों के बारे में याद आ जाएगा। मुंह खोल। इना, मीना, गीता। चल जा रे, दुआ। फ्लैशबैक याद आ गया। बैंकॉक वाले उसे ले जाने आए हैं। किसे ले जाने? वही जिन्होंने मेरा मेमोरी कार्ड फॉर्मेट किया था। क्या बात है, मालिक कमाल हो गया। इसकी मेमोरी रीसेट के मुझे 5 लाख मिलेंगे। तू यहाँ जम के बैठ, मैं सेठ को बुला के लाता हूँ। क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत की तूने पुलिस में हमारी इलीगल माइंस के बारे में कंप्लेन की और हमें कोर्ट में घसीट कर हमें बर्बाद करना चाहता है? अब तू देख मैं तुझे कैसे बर्बाद करता हूँ। छोटे से मैटर का इतना बड़ा रिएक्शन, तो जरा सोच हमारा क्या होगा। कालिया साहब, 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 आपके साले की याददाश्त वापस आ गई। बैंकॉक में कुछ गुंडों ने उसे कुत्ते की तरह पीटा। वो मुंह जुबानी आपको सारी डिटेल्स बताना चाहता है। अब आइए मेरे साथ, आइए आइए और देखिए, देखिए साहब। अबे क्या देखो देखो, खाली कुर्सी देखो क्या? खाली चिट्ठी।
कैप्सूल वाले बाबा ने धमकी देकर कहा सबसे झूठ कहूँ कि मैं ठीक हो गया। कैप्सूल पे कैप्सूल खिलाकर दिन रात टॉर्चर करता है। इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारा सिद्धा। क्या बकवास कर रहा है साहब? मेरा यकीन कीजिए, मेरा इलाज खाली नहीं जाता। उसे सब कुछ याद रहता है। इसे ले जाकर कुर्सी से बांधो। नहीं साहब, नहीं साहब, रहम कीजिए, नहीं तो मेरी अगली पिछली और आने वाली खराब हो जाएगी। रहम कीजिए सजीव, ये सब मेरा मूड खराब है, बाद में बात करते हैं। अब हम लोग क्या करें? नीचे आना है, दो दिन रुक जा। शादी में सिर्फ दो दिन बचे हैं, तब तक इसे कहीं छुपा कर रखना होगा। सब लोग अलर्ट रहना। तुम टेंशन मत लो, हम सब आ गए हैं ना। ऐसी सिचुएशन में लड़का लड़की को बचाने आता है, पर यहाँ तुम्हें बचाने मेरी पूरी फैमिली आ गई है। अगले दो दिनों में हमारी शादी होनी फिक्स्ड है, डोंट वरी। ऊपर वाले, हनी का सीक्रेट लवर, ये गोपी गैम्बलर, ये कहाँ लेकर जा रही हो? वहाँ देखो। अबे आओ। अब ये क्या करेगा? चुप, शांत हो जाओ। मैं पापा को बताऊंगा। जानते हो ना वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे वो? ए गजा, जानते हो हनी से तुम्हारी शादी मैं क्यों करवा रहा हूँ? पांडवपुरम वालों के परिवार से अपना बदला लेने के लिए। भले वो बदचलन हो, लेकिन तेरी शादी उसी से होगी। पापा, एक बात दिल से बताऊं, लाइफ आइसक्रीम की तरह होती है। टेस्ट किया तो भी पिघलेगी, वेस्ट किया तो भी पिघलेगी। फ्रिज में रखो तो नहीं पिघलेगी। डियर गजा, उस बेवफा के बारे में इतना क्यों सोचना, जब सच्चा प्यार करने वाली यहाँ मौजूद है। इस बारे में सोचो जरा। तुम्हारी बॉडी टाइगर जैसी है, मेरा शिकार कर लो ना। मोहिनी, बाप रे, हनी और गोपी चेंज्ड, मोहिनी और गजा आल्सो एक्सचेंज्ड। ओहो, बहुत कंफ्यूजन है। गृहराज स्वामी, बचपन से बाल ब्रह्मचारी। शर्माओ मत। फूल पर मधुमक्खी देखी है, लेकिन फूल के ऊपर फूल? वहाँ गजा के साथ, यहाँ मेरी बेटी के साथ। मोहिनी जरूर मंगल ग्रह से आई होगी, जगत मोहिनी है। साले साहब, मिनिस्टर से मिलने मैं अपने गेस्ट हाउस जा रहा हूँ। मैं उन्हें कैश और शादी का कार्ड देने जा रहा हूँ। घर का ख्याल रखना, चलता हूँ। किसका ख्याल रखूं? यहाँ तो सब एक दूसरे का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं। एक गृहराज में आस्था थी, वो भी सत्या में डूब गई। ये बजवट, बजवट। ये दोनों बैल भी लिस्ट में हैं। रुक, अगली फ्लाइंग किसका फालूदा बनाता। कार में जाके बैठ, जाना मोटे, पीछे मत देखना। प्यार के दुश्मन दुनिया वाले। अरे बाबा बाबा, बाप रे, लेट्स गो, आई कांट स्टे हियर, अमेरिका लौट चलते हैं। क्या बात है, आप क्रोध में ये निर्णय क्यों ले रहे हैं? बेटी, तुम्हारी स्टाइल और भाषा दोनों बदल गई, इसकी वजह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, कम, सामान बांध के एयरपोर्ट चलना है। पापा, मेरी बात तो सुनिए। कुकु, हाय कुकु। क्या है? मोहिनी कहाँ है? वो अंदर नहाने गई है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझसे बड़ा नहीं चाहूंगा, चुप रह, मारूंगा काम कर। तू भी आ गया, क्या क्या कर रहे हो? एक तो खुदा के नीचे छुपे हो, तू क्यों नहीं आती? तुम्हें शादी तेरी फिक्स हुई है। जा 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 जा। क्या हुआ?
थक गया। कौन है रे तू? कुछ बोलेगा भी या ऊं करेगा? अरे अरे सर जी, इसे मुजरिम की तरह क्यों पकड़ा है? ये मोहिनी का बड़ा भाई मोहन है। मोहिनी का भाई मोहन? हाँ सर जी। ए हथियार हटाओ, जाओ यहाँ से। अब समझा, अपनी नजरों की हवस की प्यास बुझाने आए थे तुम तीनों। छी छी छी, कैसी परवरिश दी है इन तीनों को आपने। ए? इस कमरे में तुम लोग क्या कर रहे थे? वो हमारी बॉल यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। ए, तुम्हारा लक अच्छा है कि आज मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ, वरना ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तुम्हें आज ही टपका देता। पुलिस वाला? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी बहन को एक गरीब लो क्लास घर में ठहरा है, जबकि वो एक अरब पति की बेटी है। अरब पति की बेटी? तुम्हारे प्यार में पागल नहीं होती तो हाथ पे हाथ धरे कभी नहीं बैठता। मैं चाहूँ तो उसके लिए अच्छे से अच्छा लड़का ले आऊँ। फेंकूं कहीं का? एक सेकंड, अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। मेरी बहन से शादी करोगे? हॉल का ना, वो तो अभी करता हूँ। और तुम? मैं तो बिना हॉल के भी शादी कर लूंगा। ये है मोहिनी की कीमत। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, एक आखिरी मौका देता हूँ, सोच के फैसला कर लो। मिस्ड कॉल मार देना। एक बार इस बारे में मोहिनी से भी पूछ लेते हैं। इसलिए तो जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा तभी तो आएगी। वो बात ये है कि उसकी कुंडली में लिखा है कि उसकी शादी होने तक उसे अपना चेहरा ना दिखाऊं। सुयोधन धूमधाम से शादी की तैयारी कर रहा है, जिसे सालों तक टालने की कोशिश की, आज वही अनर्थ होने वाला है। भिंडी के विश्वास दिलाने के बाद भी उस पर यकीन नहीं हो रहा है। भिंडी जी का फोन आया जी। भाई साहब बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं भी बेसब्री से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। महाभारत के आखिरी अध्याय की तरफ समय आ गया है कि इनको सजा दी जाए। भिंडे की बात सुनकर अब दिल को सुकून मिला है। गोपी गैम्बलर, आज घर में शादी हो रही है, किसी का विवाहित जीवन शुरू होने जा रहा है। बताओ मेरी शादी कब होगी? हजार बार कह चुका हूँ नहीं होगी। दिमाग में एक ही फितूर भरा है, शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें ट्विटर की तरह फॉलो करती हूँ, फिर भी मुझे भाव नहीं देते। हिंदुस्तानियों को कोहिनूर हीरे की वैल्यू तब समझ आई जब फिरंगी उसे इंडिया से छीन कर ले गए। मेरी इम्पोर्टेंस भी तभी समझोगे जब कोई और मुझे ले जाएगा। मेरी जैसी लड़की गूगल सर्च करने से भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी शादी किसी और से हो उससे एक मिनट पहले, तुमसे ज्यादा मसल पावर वाला, तुमसे ज्यादा गोरा चिट्टा चॉकलेटी चेहरे वाला आदमी ढूंढ के उससे शादी कर लूंगी। ऐसा नहीं हुआ तो इस घर के फर्स्ट फ्लोर से जंप मार दूंगी। अच्छा, ये एक दुखी अबला नारी का इस मोहिनी का तुमसे वचन है। जय हनुमान। ये गलत है, ये बंधन आज टूट जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो? और क्या कहूँ, वहाँ तुम्हारे फेरे होंगे और यहाँ मेरी आरती उठेगी। तो कहीं भाग चलते हैं। अगर ऐसा ही करना होता तो 16 साल की बाली उम्र में पहले ही भाग चुकी होती। मैं चाहती हूँ पूरे समाज के सामने, गोपी के सामने शादी करूँ। अगर तुम एक असली मर्द हो, हिम्मत वाले हो, बहादुर हो, मुझसे प्यार करते हो तो पापा से बात करो ना। मेरी बात सुनो मोहिनी। मोहिनी, मेरी बात। मोहिनी, बहुत सही मजा चखा दिया ठाकुर साहब। पापा, हाँ। एक बात करनी है आपसे। अभी नहीं, शादी के बाद। क्या शादी की तो बात करनी है। आज इस हॉल में मोहिनी से मेरी शादी करवा दो। क्या कहा? मोहिनी? आई लव मोहिनी। आपका सिर काट दूंगा। मोहिनी से शादी सिर्फ मैं करूंगा, जान ले लूंगा। मोहिनी मेरी है। आप बकवास कर रहा है तू? थोड़ी देर के बाद तेरी शादी है। सही कह रहे हैं आप, मैं मोहिनी को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। धर्मा की बेटी से शादी? अपने इस दोस्त से करवाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक दूसरे की बाहों में थे। ये क्या है, मेरा बेटा सच कर रहा है? अब मैं क्या बताऊँ, वो मुझ पर गिरी और उसे मुझसे प्यार हो गया। दोस्त के विश्वास को ठेस ना पहुँचे इसलिए उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं छुआ। प्यार का इजहार करने के बजाय दोस्ती के खातिर अपने अरमानों को त्याग दिया। न घर का रहा न घाट का। ए, अपनी लव स्टोरी बंद कर। ए, मंगलसूत्र लेकर आ। ए,
कुछ तो शर्म कर, वो तेरी बेटी की उम्र की है। ए, सिर्फ मैं ही मोहिनी से शादी करूंगा। ए, मेरी और मोहिनी की शादी फाइनल है। तेरी तो अब भी शादी करवाता हूँ। मैं करूंगा। दूर रहना। शादी करा। एक बार भी सुनाई नहीं देता तुझे। शादी करेगा। रुक, अभी बताता हूँ। क्या है? तेरी कोई इज्जत है कि नहीं? एक औरत के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दो। क्या बात करता है? ये क्या हुआ मोहिनी? अंकल, मोहिनी ने जहर खा लिया है। जहर? हे भगवान, पूरी बोतल ही खाली कर दी। सर जी, ये तो मर चुकी है। ये क्या कर दिया तूने? मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। एक लेटर भी लिखा है, पढ़िए। अरे मैं स्कूल क्यों नहीं गया? पढ़ तू, पढ़। सबको मेरा अंतिम प्रणाम। मैं मोहिनी, भगवान ने मुझे सिर्फ एक शरीर दिया। तीन शरीर देता तो कितना अच्छा होता। मैं तीनों भाइयों से शादी कर लेती। मैं बस पलंग किनारे के लैम्प शेड की तरह थी, जो सिर्फ एक बेड को रोशन कर सकती थी। काश फ्लडलाइट होती तो पूरा स्टेडियम रोशन कर देती। समझ नहीं पाई किसकी लाइफ में उजाला लाऊं, इसलिए अपना ही मेन स्विच ऑफ कर रही हूँ। बड़ा बेटा गुना LED लाइट की तरह है, फास्ट और इंस्टेंट स्टार्ट। दूसरा बेटा गना टॉर्च की लाइट है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही ऑन हो जाता है। ये क्या हो? और छोटा बेटा गजा स्पॉटलाइट जैसा है, ऑन द स्पॉट ऑन होता है। चुप, बोलना बंद कर। तुम सबकी बहुत याद आएगी। अगर फिर से जन्म मिला तो तीन चुड़वे बहने बनकर तीनों से शादी कर लूंगी। बाय। पुलिस आ गई। डरिए मत, ये मेरी रिंगटोन है। मोहन का फोन है। हेलो कॉपी, मेरी पोस्टिंग यही हो गई है। पुलिस यूनिफॉर्म में आके अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहता। आई एम कमिंग। भाई ने यहाँ ट्रांसफर करवाया और तुम ऊपर ट्रांसफर हो गई। दोस्त अब क्या करें? जजंतर ममंतर ककंदर मनिंदर धर्मेंदर सितंदर पदेंदर पन... मेरे गुरु जी, मेरी मोहिनी नहीं रही, अब उसे वापस ले आई है। ओ, मेरी मोहिनी। ओम तत्सत। उपग्रह राज। गुरुजी, आधे घंटे पहले मैंने क्या कहा था? आपने कहा था मोहिनी का स्वर्गवास हो जाएगा। आपकी बात सच हो गई गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे लिए ईश्वर हैं, हमें बचाइए। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। गोपी हनी को चाहता है, हम उन दोनों का विवाह करवा देंगे। और ध्यान रहे, मोहन जब यहाँ आएगा तो गोपी को प्यार का वास्ता देकर उसे मोहन के आगे खड़ा कर देंगे। फिर वो जाने मोहन जाने, वरना वो पुलिस वाला हम सबका एनकाउंटर कर देगा। हरि अब गो। धन्यवाद। दोस्त दोस्त, मौत वाले घर में शादी शुभ होती है। तुम्हें हनी से शादी करनी होगी। नहीं सर जी, ऐसा कैसे? मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम्हें हनी से शादी करनी होगी, बस फाइनल है। ओके, थैंक यू दोस्त। इस लाश का क्या करेंगे? अरे इसे माइन में दफना देंगे, कुएं में फेंक देंगे। सबसे कह देंगे पानी भरते वक्त पैर फिसल कर अंदर गिरी। Hey, लेके जाओ इसे। सर जी, I will handle this. You relax. Hey, चलो बॉडी उठा। Hey, तुम रुको, स्पेशल टीम चाहिए। Hey, तुम दोनों इधर आ। उठाओ इसे। अरे मेरी मोहिनी को हाथ लगा तो उसके हाथ काट के रख दूंगा। कोई मेरी मोहिनी को छू नहीं सकता। जय मोहिनी। सत्यानाश। मंगलसूत्र ला, मंगलसूत्र। तुम ही शुरू हो गया। चुप। इसमें ना से अगले जन्म में मेरी वरना। चलो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आता ही होगा, बाद में शोक मना लेना। नीचे उतारो। अरे साड़ी का पेंट चुभ रहा है, क्या कर रहे हो? ओह ओह, अरे निकल।
मैं विधवा हो गया, मैं वापस शादी नहीं करूंगा। बहना, प्यारी बहना। सर, पुलिस ड्रेस में सुपर हीरो लग रहे हो। पहले शेक हैंड बहना के साथ करूंगा। वेयर इज माई सिस्टर? ओह, एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरी बहन को रिजेक्ट किया, मैंने स्टेट के होम मिनिस्टर के इकलौते करोड़पति बेटे के साथ उसकी शादी फिक्स कर ली। उसे यही बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मोहिनी, हे बॉस, मोहिनी कहाँ है? बेटा, मोहिनी हो, क्या बताऊँ? क्या हुआ मेरी मोहिनी को? मोहिनी मुझे छोड़कर चली गई पुलिस वाले। क्या हुआ मोहिनी को? संभालिए, कहाँ पे है वो? वो तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ हो जाए इसलिए मन्नत मांगने गई। हाँ, देखा तुमने, मेरी बहन को मेरी कितनी परवाह है। यहाँ से सीधा मंदिर जाऊंगा, उसके हाथ से ही ये कैप पहनूंगा। रुको, उसने हमसे कहा था वो मंदिर से सीधे शादी के मंडप में आएगी। मंडप में? हाँ। शादी किसकी? आज इसकी और हनी की शादी है। इस बेवफा बॉयफ्रेंड की हनी से शादी? ये कब हुआ? मैं समझाता हूँ ना, चलो मेरे साथ। मेरे मोहिनी पापा, अगर मोहन ने सुन लिया तो लफड़ा हो जाएगा। चल, अंदर जा, चल। पांडवपुरम और कौरवपुरम से आए मेहमान मेरे परम मित्र गोपी और धर्मराज जी की पुत्री एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर प्रेम दिलों को जोड़ सकता है तो गांव और परिवार को भी जोड़ सकता है। आज मैं अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर धर्मराज से गुजारिश करूंगा, वो भी अपनी नाराजगी और दुश्मनी भुला दें और वर और वधु को नए जीवन की शुभकामनाएं दें। मोहिनी, अरे जल्दी घटक, शादी में जाना है। क्यों छोड़कर चली गई मोहिनी? रो और जोर से रो। अरे भाई देखो, ये भूतनी वापस कहाँ से आ गई? मुझे भूतनी बोलता है? एक भूतनी की ताकत दिखाती है मुझे। अरे ओ मजनू रोमियो, तू यहाँ देवदास बना है, वहाँ वो मक्कार ज्योतिष, गोपी गैम्बलर, लड्डू वाली बुढ़िया, सारे एक ही परिवार के हैं। मोहिनी नाम की कोई औरत है ही नहीं। ए, ये क्या कह रही हो? मेरे साथ चल, मैं बताती हूँ तुझे। कुछ बोलेगा? खुद को बांध के ऐसे क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर? पागल हूँ क्या खुद को यहाँ पे बांध के रखूंगा? पता है, जिन्होंने बैंकॉक में हनी को छुपा के रखा था, जिन्होंने मेरे सिर पर गदा से वार किया था, जिन्होंने रस्सी से मुझे यहाँ बांधा, वो एक पूरी फैमिली है जो हमारी फैमिली को बेवकूफ बना रही है। अम्मा। रिएक्शन बाद में दे, पहले मेरी रस्सी खोल। सत्यानाश, रस्सी तो खोल, जोर की लगी है। हाय, ये मोहिनी नहीं है, उसका पुतला है। ये देखिए नकली बाल, उन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया। मोहिनी पापा, मोहिनी नाम की कोई लड़की थी ही नहीं, सिर्फ पुतला है। उन लोगों ने बेवकूफ बनाया, वो सब एक ही फैमिली से हैं। धोखा देने में मैं किंग हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया। जिस खेल को तुमने शुरू किया उसका अंत मैंने किया। सुयोधन, रंगा को खरीद के तुमने श्री धर्मराज को जुए में हराया, क्या वो धर्म था? रंगा को तुमने माइंस में दफना दिया, क्या वो सही था? आज तेरा भी वही हश्र होगा। नहीं सर जी, आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब सिर्फ मेरे लिए आए हैं, अगर बदला लेना है तो मुझसे लीजिए, इनका कोई दोष नहीं। आपका गुस्सा हम पर निकालिए, माँ और बापू जी को छोड़ दीजिए। क्या है सब, क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो सुयोधन, इस सारे नाटक का रचयिता सूत्रधार मैं हूँ, अगर मारना है तो मुझे मारो, इन बच्चों को मत मारो, ये निर्दोष हैं। नहीं पापा, बस बहुत हुआ, हमारे लिए उम्र भर बहुत सी कुर्बानियां देते आए हैं आप। अनाथ होके सगे माँ बाप से ज्यादा प्यार दिया है, आपको कुछ नहीं होने देंगे। विजय, बिच्छू माँ, सच पता चलने पर भी हम चुप ही रहे,
ताकि आपको दुख ना हो, आपके खुशी के लिए जान भी दे देंगे। बेटा अजय, बिना औलाद पैदा किए कोई माँ बन सकती है? सड़क के अनाथ बच्चों को उठा के अपने आप को बाप समझता है? कचरे के डिब्बे से कुत्तों का खाना चुराने वाले कुत्ते मुझे धोखा देगा साले अनाथ कहीं के? चुप हो जा, मेरे बजाय मेरे बच्चों के लिए एक भी गलत शब्द बोला तुझे मार के तेरे बच्चों को अनाथ बना दूंगा। बिना खून का एक भी कतरा बहाए मेरे पापा शांति और प्रेम से हनी को बचाना चाहते थे और तूने उस अच्छाई के बदले उनका खून बहाया। और अधर्म के बीच सिर्फ अ का अंतर है। अधर्म करने वाला एक मुर्दे के समान होता है, धर्म करने वाला मरने के बाद भी जीवित रहता है। अच्छाई के रास्ते पर या पाप के रास्ते पर चलना है, ये एक निजी निर्णय होता है। हर युग में तुम जैसे दुष्ट कौरवों का नाश करने के लिए ईश्वर हम जैसे पांडवों को भेजता है। जब तक इस पावन धरती पर पांच पांडव जीवित रहेंगे, पापियों का अंत करते रहेंगे। भिंडे भाई, मेरी बेटी को बचा के आपने अपना वचन निभाया। धर्मराज जी, मैं किसी को वचन नहीं देता, लेकिन जब देता हूँ तो उसे पूरा जरूर करता हूँ। ए कुकू, कुशल कुमारी, कुकू, ओ यहाँ छुपी हो? ये शादी का हॉल है या कुश्ती का मैदान है? यहाँ किस लिए आई हो? दो घंटे में हमें एयरपोर्ट पहुँचना है। चलो, ये क्या है, दोनों की शादी हो गयी?
दोनों में प्यार था इसलिए शादी कर ली। दोनों की शादी में तू दीवानी क्या कर रही है? चल। मैं नहीं चलूंगी। क्यों नहीं चलेगी? मैं मोहन से प्यार करती हूँ। मोहन? अब ये कौन है? मैं। ये माय लव? सिर्फ लव करना काफी होता है क्या? उसके खानदान का आता पता? जरा एक मिनट सर ठहरिएगा। मम्मी पापा भैया भाभी और वो मोहिनी वो कहाँ गई? अंकल बागीचे से संतरे लेकर नहीं आए? आप सब क्या संतरे? बाप रे, मतलब मोहन ही मोहिनी है और मोहिनी ही मोहन है? तुम पर पहले दिन से ही शक था। मेरी उंगली छोड़ो, बहुत नौटंकी देख ली तुम्हारी, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। छोड़ूंगा नहीं।